ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، آمين. अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 मई 2018 को संडे के दिन रूटीन की कुरान क्लासेस से हटकर हम इन तआला स्पेशल सेशन मुनद करने जा रहे हैं और वो है कुरान हकीम को अरबी तजवीद के साथ सीखना और इसके लिए बड़े ही आसान तरीक़े के साथ इन तआला मैं जो वोकल कम्युनिकेशन है यानी मुंह की आवाज़ के ज़रिए एजुकेशन इसको बुनियाद बनाते हुए इन शह तरबी तजवीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा और इनशाला इतने आसान पैरा में कि चाहे कोई उम्र में छोटा हो या बड़ा तालीम याफ़्ता हो या अनपढ़ हो सब के लिए इनशा इस हवाले से आसानी होगी और इन हम इस मुख्तसर से दौरानिए में वो अरबी तजवीद कवर करेंगे जो हमारे मदरसों के अंदर बाज़ात एक साल बाद उकात दो दो साल तक का कोर्स करवाया जाता है वो चंद घंटों में इनशाला तला यहाँ पर कवर हो जाएगा एक से डेढ़ घंटे के अंदर इन और मेरे भाइयों इस हवाले से मेरा आलमोस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस है मैंने ख़ुद जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था 1992 में तजवीद अरबी सीखी थी और आज आप देख लें कि 6 मई 2018 है और 1992 में तजवीज़ सीखने के बाद से अब तक आलमोस्ट इन 25 सालों के अंदर मैंने हज़ारों लोगों को अलहदिल्ला तजवी फ़ी सभी सिखाई है और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेरा पीरियड था वो 1995 नैंटी से लेकर 2000 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान इंजीन यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह मेरे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग के दौरान मुझसे अरबी तजवीद सीखी अलहमदिल्ला और आज पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरे लोगों को भी अरबी तजवीद इस हवाले से सिखा रहे हैं उस ज़माने में हम जो अरबी तजवीज़ सिखाया करते थे वो दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से ही हमने चूँकि सीखी थी आ, तो उनका एक कायदा था जो रहमानी कायदा के नाम से मशहूर था और आजकल मकबतुलमदीना ने वही कायदा जो है वो मदनी कायदा केनमान से शाया किया है ये ब्रैलवी मक्ताफ़िक्र कायदा है और इसी के पैरल अल हदीस मकदा फ़िक्र में दारुस्म पब्लिकेशन वालों ने एक कायदा शाया किया है उसका नाम है क़ुरानी कायदा और देबंद ने किया है नुरानी कायदा के नाम से और एक वो आम कायदा है जो इतना तजवीदी तो नहीं था बेसिक अरबी सीखने के लिए प्रोनाउंस करने के लिए जो हम बचपन में यसरनल क़ुरान जिसे यसरान भी कहते थे हम वो मार्किट के अंदर अवेलेबल है आप इनमें से कोई भी कायदा ले सकते हैं सब ने अपने अंदाज़ में चीज़ें वही हैं जो सिखाई हुई हैं बहर ये जो मदनी कायदा है मकबतुलमदीना की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा आप गूगल में जाके लिखें इसकी कलर्ड पी डी एफ कापी आपको नुरानी कायदा की भी और दारोस्लम वालों का कुरानी कायदा वो अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आज मैं इनशाला जितना आपको सिखाऊंगा तो आपके लिए बड़ी आसानी के साथ उस पूरे कायदे को मेरा ख्याल है Uh, ज्यादा से ज्यादा एक घंटे के अंदर आप कवर कर लेंगे और आपको ये सारे बेसिक रूल्स जब समझ आ जाएंगे इन तकरीबन सात साल पहले सेवन ईयर्स बैक बारह रबी अव्वल चौदाह सौ बत्तीस हिजरी बा मुताबिक सोलह फरवरी दो हजार ग्यारह को मैंने एक कैजल सी तजवीद क्लास की थी हमारे जो लैपटॉप का वेब कैम है उसके ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी मसला नंबर ट्वेंटी थ्री के उनवान से हमारी वेबसाइट अहल सुन्नत पाक डॉट कॉम पर वो मौजूद है उसके बाद से काफ़ी लोगों की ख्वाहिश थी कि एच डी रिकॉर्डिंग में ये चीज़ें लेके आई जाएँ ताकि देखने वालों को भी आसानी हो और बात उनको समझ भी आ जाए इस हवाले से तो आज हमने ये स्पेशल सेशन यहाँ पर मनकद किया है और इन शह हमारा ये आज का जो लेक्चर है आ, अरबी कुरानी तजवीज़ से रिलेटेड छः मई दो हज़ार अट्ठारह को बामुताबिक मुताबिक उन्नीस शाबानलमआज़म चौदह सौ उनतालीस हिजरी हमारी वेबसाइट अहल सुन्नत पाक डॉट कॉम पर हमारे यूट्यूब के चैनल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के थ्रू मसरा नंबर टू हंड्रेड के उनवान से इनशा अपलोड होगा आज हमारी डबल सेंचुरी भी हो जाएगी और इसीलिए मैंने ये स्पेशल क्लास ज की थी कि ये 200 का फिगर जो है एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए इन मेरे तेरे कुरान हकीम में अल्लाह तबारक वाल ने रहमान का आगाज ही इससे किया है आमदबिल्ला मैंने शयतानजीम बसमिल्लर और क़ुरआन खलकसानुलानर रहमान है वो हस्ती कुरान जिसने कुरान की तालीम दी है यानी अल्लाह भी कुरान की तालीम देने वाला आलिम है खलान उसी ने इंसान को पैदा किया बयान और उसे कुव्वत गोयाई के साथ नवाजा ये जो बयान की ताकत है यानी इंसान बोल सकता है इसी ने पूरी दुनिया की काया कलब की हुई है जितने बड़े लीडर्स हैं चाहे वो मजहबी लीडर हों चाहे वो सियासी लीडर्स हों फौजी लीडर्स हों अपनी जुबान की बुनियाद के ऊपर ही रूल कर रहे थे और ये अल्लाह ताला ने इंसान को वो खासियत दी है जो और किसी मखलूक को इस हवाले से नहीं मिली है कि उसका बयान जैसे सही मुस्लिम हदीस है कि बाज़ बयान जो हैं वो सहर का सा जादू का सा असर रखते हैं जुमा चैप्टर के अंदर सही मुस्लिम हदीस मौजूद है तो यह बोलने की सलाहियत अल्लाह त दी है फिर कुरान हकीम में हमारे महबूब इमाम कायनत सदी आखिरन शफी उलमजनबीन रहत आलमी सैद उन्ाव मऊलाना इमाम महम्मद रसूल सल्हसम का जो मनसब बयान हुआ है सूर आल इमरान आयत नंबर वन सिक्सटी फोर में वो है ही कुरान की तालीम है लकद लकदमी रसूला बेशक अल्लाह ताली का एहसान है मोमिन पर कि उसने उनमें रसूल मबरूस किया मिन अनफिन उन्हीं की जानों में से ल आयात ही जो इस कुरान की आयत उन पर तिलावत करते हैं वुजकी हिम और उनका तजकिया करते हैं व किताब वल हिकमा और इस किताब की और हिक्मत की तालीम उनको देते हैं व इन कानू मिन क़ब्लु लफी मुबीन और इस कुरान के नज़ूल से पहले ये लोग खुली गुमराही में थे यानी सहाब इक्राम जो दुनिया के इमाम बने वो कुरान के नजूल से पहले खुली गुमराही में थे इस कुरान के जरिए इसकी तालीम ने उनको इतना बुलंद मरतबा अता फरमाया कि हजारों साल की रोमन और पर्शियन अंपायर अल्लाह तला ने उनके कदमों में ढेर कर दी विद इन सेवनटीन ईयर्स अलहमद इसी कॉन्टेक्ट में एक हदीस है सही बुहारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक फाइव जीरो टू सेवन और यह हदीस मिशक्तुलमसाबीह में भी मौजूद है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक टू वन जीरो नाइन बड़ी मशहूर हदीस है अमीरिन सईदना इबन और इस हदीस के रवी है तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता और दूसरों को सिखाता है ये मशहूर हदीस है सही बुखारी की बहरअली सवाले से फजायल कुरान के कॉन्टेक्सट में मेरे डिटेल लेक्चर हैं मसला नंबर एक सौ बारह ए बी सी आलमोस्ट तकरीबन साढ़े तीन चार घंटों पे मुहित हैं वो जिसे शौक हो तो इस हवाले से उन लेक्चर्स को देखा जा सकता है मेरे भाइयों हम जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं या फारसी जानने वाले लोग या पंजाबी हो पश्तो हो सिंधी हो बलोची हो ये सब के सब जो ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं इनके जो हरूफ तहजी हैं वो अरबिक से ही डराइव्ड हैं लिहाजा हम लोगों को अरबी हरूफ की पहचान के लिए आ, जो है वो अपनी मादरी जुबान आना ही काफ़ी है हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनी कोई चीज़ सीखनी नहीं पड़ती वरना गोरे जब मुसलमान होते हैं तो उनको रोमन में फिर लिख के बताया जाता है अलिफ़ लिखना है तो उनको बताया जाता है ए एल आई एफ लेकिन आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है जो उर्दू या फारसी या पशतो या पंजाबी या सिंधी या बलोची जानने वाले लोग हैं उनके लिए अलिफ की पहचान को मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे हरूफे तहजी अल्फाबेट डिराइव हैं फ्राम अरबिक और अरबी में कुल उनतीसूफ तहजी हैं और अलिफ और हमजा को अगर एक गिना जाए तो अट्ठाईस बहरल ये उनतीस बनते हैं उन उनतीस में से बीस हरूफ तहजी ऐसे हैं जिनकी वोकल साउंड जो हैं मुंह की आवाजें हंड्रेड परसेंट वही हैं जो कि हमारी उर्दू जबान के अंदर है और बाकी के जो नो हैं नाइन वो हमें थोड़ी सी मेहनत से हम विद इन टेन मिनट सीख सकते हैं तो आपको समझे पूरी तजवीज आ गई कोई मुश्किल काम नहीं है बीस ऑलरेडी आते हैं उनतीस में से आपको और वो जो नो है वो भी आपको आते हैं थोड़ी सी उसमें चेंजिंग के साथ अरबी प्रोनाउंस उसे करना है आपने तो इन शाह तला आसानी हो जाएगी इनशाला जब डिटेल आएगी तो मैं आपको बताऊंगा इस हवाले से आपको एक रेफरेंस पेज भी मिल चुका हुआ है और ये रेफरेंस पेज आलमोस्ट समझे कि पूरी अरबी लिंग्विस्टिक का जो तजवीद है वो उसको वो जो कायदा है रहमानी कायदा या मदनी कायदा उसमें से मैंने इसको कॉपी किया है ये आपके हाथों में है ये दो पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है इसकी बैक वाली साइड भी है जिसमें ज़रा डिटेल्ड अरबिक के रूल्स हैं और जो पहले वाला पेज है उसके ऊपर बुनियादी अरबिक इनशाला हम इसको कवर करेंगे बड़ी आसानी के साथ और प्लस आप ये देख रहे हैं कि हमने ये साइड पर ये पाँच स्लाइड्स भी स्पेशली यानी कि ना इसी पर्पज़ के लिए ये मैंने यानी पूरी रात लगा के ये खुद टाइप किए हैं क्योंकि हम जो पीडीएफ उठाते थे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती थी तो फिर इसे खुद वर्ड में लिख के इसके पीडीएफ जनरेट करवा के फिर इसको पैनाफ्लैक्स पाँच के पाँच निकलवाए हैं ताकि आसानी के साथ लोग इसको समझ सकें और हमारी इन जब ये एच रिकॉर्डिंग होगी इस दौरान हम इनशाल्ल मैंने फरान भाई को बताया कि इसके जो औरजिनल जेपी जीज है वो उठा के ना तो एच डी रिकॉर्डिंग में पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको ओरिजिनल इसके नजर आएंगे यहां पे इनको मैंने मना किया है कि इसको ऐसा जितना करीब से कवर करने की जरूरत नहीं है वो इनशाला एच डी रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे इन तो ये जो मदर टंग है हमारी उर्दू या पंजाबी या सिंधी या बलोची या फारसी इसका हमें बड़ा एडवांटेज है अरेबिक सीखने के लिए ये वो एडवांटेज है गोरों को हासिल नहीं है जिसको आप कह रहे हैं कि मुंह में आप वो लुकमा लेके पैदा हुए हैं जैसे इस्लाम जो है वह प्लेट में रख के मिला है ये बिल्कुल वही चीज़ है लेकिन डिटेल में जाने से पहले अरबी तजवीद की अहमियत को उजागर करने के लिए मैं चंद एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा कि अरबी ज़ुबान के अंदर ज़रा सी गलती प्रोनाउंसिएशन की एक वो जिसको कहते हैं ना एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया या तो नुक्ता लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती बगैर नुकता लगाए सिर्फ जबर जेर की गलती से या प्रोनाउंस करने की गलती से मुजरिम से भी अगली चीज बन जाती है और इन बड़ी गलतियों को हम अरबी लिंग्विस्टिक की टर्मनोलॉजी में कहते हैं लहन जली यानी ये जली किस्म की वाज किस्म की गलतियां और दूसरी होती हैं लहन खफी यानी मामूली किस्म की जिनको टॉलरेट किया जा सकता है लहन खफी जो है वह छोटी गलतियों में आप समझ लें कुरान की अरबिक ज़ुबान को मजहूल पढ़ना मिसाल के तौर पर अब फातिहा में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रबालमीन ही है लेकिन आपने देखा होगा हमारे वो बड़े बूढ़े जिन्होंने अरबी नहीं सीखी वो अल्हम्दुलिल्लाह है पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह है या हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन वो पढ़ते हैं माँ ले लाम जर ले के, के। जबकि मरूफ अरबी क्या है लामजे ली कावजर की तो कुरान को जब भी पढ़ना है मारूफ तरीके पर पढ़ना है मज़हूल नहीं पढ़ना अलबत इसमें एक एक्सेप्शन है कि अदर देन जो कुरानिक अरबिक है वो आप मजहूल पढ़ सकते हैं वो तो जो अरबी लिंग्विस्टिक के लोग हैं वो खुद भी मजहूल अरैबिक बोल रहे होते हैं अरबियों की अगर आप तकरीरें सुने या उनकी गुफ्तगु सुने तो कई अल्फाज वो मझूल बोलते हैं कुरान के लिए मरूफ होना मस्ट है मसलन एक मैं आपको ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ जो 99.9999 नाइन ही लगाते जाए आगे जितने मर्जी परसेंट उलमा कारी मुफसर मुहदस मजहूल ही पढ़ते हैं और वो द्रू शरीफ है द्रू शरीफ क्या पढ़ते हैं अल्लाह सल आला मोहम्मद ये लफ्ज़ गलत है अल्लाह अल्लास आला है क्योंकि अरबी में लामज ले नहीं होता लामज ली होता है ये वो मजहूल है जो सारे पढ़ रहे हैं अरबी जानने वाले भी आपने मुझे कोई सुनाना है मंदा कि जी ये फ़लाँ आलम दीन है कारी है ये द्रूषी पढ़ता है तो अल्लाह मसली अला मोहम्मद पढ़ता है नहीं अल्लाह मसल अला मोहम्मद हम खुद भी पढ़ रहे होते हैं लेकिन ये कुरान पाक नहीं है आम अरेबिक लैंग्वेज है इसको आप मझूल पढ़ सकते हैं कोई गुना नहीं है कुरान में जब लामज ली आएगा ना तो लामज ली पढ़ना होगा लामज ले नहीं पढ़ना होगा माँ ली की पढ़ना होगा माँ ले नहीं पढ़ना होगा तो ये मैंने आपको थोड़ा सा लखन खफी के हवाले से बता दिया अलबत् जो लखन जली हैं। बड़ी है बड़ी गलतियां अरबी की वो गलतियां ऐसी डेंजरस हैं कि वो कलमाते कुफर बन जाते हैं उर्दू में वो नॉर्मल है जरा सी प्रोनाउंसिएशन का फर्क हो जबर जेर का फर्क हो जाए तो कहां से कहां वो एक नुकते से बाहर मुजरिम नहीं बनता बहुत कुछ ही बन जाता यहां तो नुकता लगाए बगैर ही बन जाता है वो जो इस हवाले से जबर जेर की गलती है वो अरबी तो करते नहीं हैं। ये हमारे इशूज हैं। मिसाल के तौर पर हम छोटे से बच्चे के सामने भी लिखे लफ्ज तो क्या लिखेंगे दाल और नून दाल के नीचे हम जेर नहीं डालेंगे तब भी हमारा बच्चा उसे दिन ही पड़ेगा दो नहीं या दान नहीं पड़ेगा क्यों क्यों उसको पता कि यार दान दून तो लफ्ज कोई नहीं है ठीक है इसी तरीके से अरबी में अगर कुन लिखा होगा काफ और नून काश वाला काफ तो अरबी उसे किन नहीं कभी भी पड़ेगा कन भी नहीं पढ़ेगा बगैर एराब के वो उसे कुन ही पड़ेगा उसे पता होगा कि ये होता ही कौन न किन और कान तो होता ही नहीं है समझ आई यानी ये अरबी जुबान वालों को एडवांटेज है जिसना हमें भी उर्दू के अल्फाज के अब ये जो लखन जली हैं उनमें मैं तीन कैटेगरीज की आपको गलतियां बताऊंगा उसके बाद इंशाल्लाह अपनी तजवीज क्लास प्रैक्टिकली शुरू करते हैं नंबर वन कैटेगरी है ए आराब की गलती एक लफ्ज है आराब जबर के साथ वो है बद्दू और पेंडू लोगों को कहा जाता हैद्दू कहते हैं हम ईमान लेकर आए फरमाओ अभी तो तुम इस्लाम लेके आयो ईमान तो तुम्हारे दिलों में अभी उतरा ही नहीं है एक लफ्ज़ है एराब जो हमारी एक समझ लें उर्दू में भी हम इसको इस हवाले से समझते हैं ज़बर ज़ैर पेश वैसे अरबी लिंग्विस्टिक में ज़बर जैर पेश कोब नहीं कहते वो इकलादा से बहस है लेकिन चूंकि गलत उलम चल रहा है समझने के अतबार से किसी हद तक दुरुस्त भी है ज़बर जैर पेश के जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं हम कहते हैं इसके अराब इनकी गलतियाँ ज़ाहिर ये वो गलतियाँ जिसको सारे गलती समझते हैं एराब की ग़लती नहीं होनी चाहिए ज़बर को ज़ेर नहीं पढ़ना चाहिए जेर को पेश नहीं पढ़ना चाहिए तो ज़ाहिर है वो तो हमारे पास लिखे हुए होते हैं और ये अराब भी सैदुनाबन बितलब रदील्हम ने अपने दौरे खिलाफत में उनके एक शागिरद थे अबुल अस्द अदौली जो चीफ जस्टिस ऑफ कोफा थे उनके स्टूडेंट थे उनकी ड्यूटी लगाई थी कि कुरान हकीम पर अराब लगवाए जाए ताकि अजमियों को अदर दैन अरब के लोगों को पढ़ने में आसानी हो ये तो फिर आले मैया के लोगों ने चूंकि अली से दुश्मनी की तो उन्होंने मशहूर कर दिया कि हजाज हजाजबन यूसुफ़ ने नेराब लगवाए हैं हालांकि ये बात अलामा कुरतबी ने जो तफसीर तफसर कुरतबीसनत की मेन स्ट्रीम की तफसीर में आती है इमाम कुरतबी अलुतवा छः सौ अड़सठ हिजरी डबल सिक्स एट हिजरी उन्होंने तफसीर करतबी के मुकदमे में लिखा है कि अबुल अब अदौली ने एराब लगवाए हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ कोफा थे और मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त खलीफा राशिद थे उन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई थी जाजिब ने यूसुफ तो बहुत बाद में आया ये तो मैं बात कर रहा हूं जाब ने यूसुफ से भी आलमोस समझ लें तीस चालीस साल पहले की तो ये लगवाए ताकि अजमियों के लिए आसानी हो इसकी मैं आपको नॉन एग्जाम्पल देता हूं तो हम सारे पढ़ते हैं इसमें आता है सिरातना अनअमता अलैहिम आता है ना जी अनअमता अलैहिम रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ अन है ता के ऊपर क्या है जबर अगर मैं इसे पेश पढ़ दू सरातीना अन आम तू तो होगा कि रास्ता उन लोगों का जिन पर मेरा इनाम हुआ अन आम तू मेरा इनाम अन तेरा इनाम यानी वो अरबी में तू से जो है वो मेरा हो जाता है पंजाबी तो तू हो है तेरा ठीक है ना ये पंजाबी वाला तू नहीं है अरबी अला अन आम मेरा अन आम तेरा तो ये और आपकी गलती बहुत बड़ी जो मैंने आपको एक बता दी इस तरीके से दूसरी कैटेगरी गलती की है वो है अरबी प्रोनाउंसिएशन जो आज हमने सीखनी है ज़बर देर की तो हम गलती करते ही नहीं है क्योंकि हम तो एराब वाले ही कुरान पढ़ रहे होते हैं अजम के लोग वो जो प्रोनाउंसिएशन की गलती है ना जी वो यहाँ पे 90 परसेंट से ज़्यादा लोग करते हैं और वो बड़ा ख़तरनाक मामला है उसमें मैं आपको दो तीन मिसालें इशल्ला ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए बसमीम ये आपने अरबी ज़ुबान के अंदर सूरतलखलास तो सारे पढ़ते हैं न जीअअल्लाहद अच्छा हम जो सूर अखलास में कुल पढ़ रहे होते हैं ना जी वो ये वाला कुल है यही है ना जी अच्छा लेकिन जो हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं ना वो ये कर रहे होते हैं ये वाली काफ जिसको हम कश वाली काफ कहते हैं अब ये वाली जो काफ़ है कैंची वाली काफ और ये दूसरे काबे वाली काफ बड़ा फर्क है अच्छा उर्दू में आप किसी से पूछे वो कहेगा ये भी कोल्ला है ये भी कोल्ला है लेकिन अरबी वाला क्या कहेगा ये कहेगा वो कहेगा ये है उल और ये है कुल ब्लैक बोर्ड कवर करना है फ्रांस पूरी गुफ्तगु में आपने मैंने मेरे साथ इसको कवर करना ताकि ये नजर आता रहे अच्छा अब उल हु मतलब पता क्या कह दो अल्लाह एक है और जो आप में से अक्सरियत पढ़ते हैं कुल अल्लाह अहद इसका मतलब पता क्या खा लो अल्लाह एक है कितना फर्क है कह दो खा लो तो खा लो कल में कोई नहीं बन जाता उर्दू में तो काम चल जाता है लेकिन जब हम अरबी पढ़ेंगे तो इसको कुल और कुल ये सीखना पड़ेगा इसको सीखना पड़ेगा ये उन बीस हरूफ में से जो मैंने बताए थे जो आपको आते हैं और वो नौ रूफ जो आपने सीखने उनमें से एक ये वाला खाफ है वो सिखाने वाला काम मैं बाद में करूंगा अच्छा एक तो ये मिसाल होगी एक और लफ्ज जो आप सबको आता है उर्दू में भी वो इस्तेमाल होता है कहते हैं नहीं, मेरा कल्बी लगाव है यानी दिली ये कल्ब जो है अरबी का लफ्ज है ये लफ्ज है कलबुन कलबुन वक्फ करते हैं तो ये बनता है कल्ब दिल कल्ब का मतलब क्या है दिल, दिल। अला बिज्र इनकलूब सूरत आयत नंबर ट्वेंटी एट आगा हो जाओ अल्लाह की याद में ही दिलों का सुकून है अच्छा अब ये दूसरे वाला अगर कल्ब लिख दिया जाए हाय 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 एक कम अज कम मेरे स्टूडेंट पता होना चाहिए मतलब है हाँ जी और ये लफ्ज कुरान में आया भी है किसके लिए आया है उलमाए सू के लिए सूरत अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में उलमाए सू को अल्लाह ने कुत्ते की मिसाल बयान किया वहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि इसकी मिसाल कल्ब सी है कि कोई चीज मिले तब भी जुबान हाँपता है ना मिले तब भी जुबान हाँपता है यानी दुनिया का लालची है तो ये हो गया कल्ब दिल और इस कल्ब का मतलब क्या हुआ कुत्ता एज मीन इस मानदा फर्क मैंने कहा था ना वो उर्दू में एक नुकते से मैर मुजरम हो जाता है यहाँ तो नुकते के बग़ैर भी है ये नुक़े तो वैस की पहचान के लिए ना अदरवाइज तो काफ़ी पढ़ रहे हैं दोनों और ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से इतना फ़र्क पड़ जाता है अच्छा इसी तरीके से अरबी जुबान के अंदर आप जो अल्फाज प्रोनाउंस कर रहे हैं वह प्रोनाउसिएशन से पता चल जाता है कि इसने कौन सा लफ्ज बोला है मसलन मैं अगर लफ्ज बोलूँ अली जिसने नई नई उर्दू सीखी है उसके दिमाग में अली ये भी आ सकता है और अली ये भी आ सकता है सिर्फ एक जबरी लगा नहीं है ना लेकिन अरबी वाला जब बोलेगा वो इसको अली नहीं बोलेगा इसको बोलेगा अली अली आइन यानी वो हलक से निकालेगा आवाज को और ये अली होगा अगर होगा तो तो आइन और अलिफ का फर्क बोलने पता चल जाएगा बचपन में लोग जब वो नई नई उर्दू सीखते हैं ना तो उनको पता ही नहीं होता कि ये तोता जो है वो ते से लिखना है या तोये से अगर ये अरबी में प्रोनाउंस कराया जाए ना तो कभी भी ना हो कि ते से लिखना है तोये से ही लिखा जाएगा उसकी जब प्रोनाउंसिएशन तोते की की जाएगी ना तो वो तो भी एक लफ्ज़ है जो सीखने वाला है उन नौ हरूफ में से ठीक हो गया जी अच्छा जी इसको मिटाइए जी आप दौरान अच्छा ये तो दूसरी कैटेगरी हो गई अब एक तीसरी कैटेगरी है वो है अल्फाज को खींचने के अतबार से एक तो मैंने जेर की एराब की गलती बताई दूसरी गलती बताई है प्रोनाउंस करने की अब तीसरा है कि अल्फाज को थोड़ा सा ज्यादा खींच दिया कम खींचना था वो भी जमीन समान का फर्क डाल देगा अरबी में यह भी एक कैटेगरी है और ये बड़ी खतरनाक मामला है ये भी कि कम और हमारे लोग तो वो जब तर्ज़ें लगा लगा के पढ़ रहे होते हैं हा हे तो वो तो हर एक चीज़ को खेच रहे होते हैं इसकी बड़ी एक मशहूर मिसाल है पुराने हकीम में वो है इन इनबी लगफ़ूर रहीम मैं अराब एराब के बग़ैर डाल रहा हूँ ठीक है जी इन रबी लगफूर रहीम इसका मतलब है बेशक मेरा रब जरूर बख्शने वाला मेहरबान है लाम जबर लागा क्या मतलब होता है ये अक्सर वो उलमा तक लाम ताकीदी ए लाम जरूर है, है बख्शने वाला मेहरबान लेकिन एक बंदा इसको पढ़ रहा है वो तर्जे लगा के ला लंबा कर देता तो इस ला का क्या मतलब है नहीं ठीक है जी इस ला और इसमें ये ये ला है ये झटके से नहीं पढ़ना लेकिन नरमी से ला और ये है ला लेकिन जो तर्जे लगा लगा के पढ़ रहे होते हैं उनको तो फिर कोई समझ नहीं आ रही होती है ठीक है इस तरह आता है उस दिन ज़रूर तुमसे नेमतों के बारे में पुरसिश होगी तो वो फिर क्या से क्या बन जाएगा ला हो गया तो उल्ट हो गया तो ये तीसरी कैटेगरी थी जो मैंने आपको बताई इस हवाले से बस ठीक है मिटाने की जरूरत नहीं लिखी दे ठीक हो गया जी आप तर्स ज़रूर लगाएं यानी हम भी यानी 1994 से अरेबिक कारी की केस्टें लगा के अब तो यूट्यूब भी है आप लगा के प्रैक्टिस करें तरन्नुम के साथ पढ़ें और सुन्नत है पसंदीदा है आ, लेकिन उसमें अल्फाज को आप अरबी कारीयों को भी देखें इतनी इतनी खूबसूरत तर्जें लगाते हैं लेकिन अल्फाज को कभी वो तोड़ते मोड़ते नहीं हैं ये हमारे उलमा रहते हैं जो तकरीरें करते हुए वो ऐसी तर्ज बाज़ कर लगाते हैं कि वो फिर आगे लोग सुबहान अल्लाह कह रहे होते हैं वो अजाब की याद भी पढ़ रहे हो तब भी लोग सुबहान अल्लाह कह रहे होते हैं उधर तो कहना चाहिए वलीदबिल्ला या अल्ला महाजिम ना मिनार ये नहीं वो कह रहे होते वो कहते हैं अल्लाह तो सही बुहारी में एक हदीस है इंटरनेशनल के मुताबिक सेवन फाइव टू सेवन और मिशकातुल मिश्कातुलमसाबी में भी मौजूद है टू वन नाइन फोर कि आप सल्ह ने फरमाया मल्लम बिल तिलकुरआन वो हम में से है ही नहीं है जो कुरने हकीम को तरन्नुम के साथ नहीं पढ़ता एडा रती सवाल पूछे कि जी तरन्नुम लगा के क्यों इंजीनियर साहब पढ़ते हैं नबीसलाम फरमाया वो हम में से है ही नहीं जो कुरान हकीम को तरन्नुम और खुश इलहानी के साथ ना पढ़े लेकिन उस खुश इहानी में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अल्फाज जो है ना वो बदल ना जाए वरना तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी अक्सर मेरी जो है वो तलावत भी रिकॉर्डेड मौजूद है यूट्यूब के ऊपर भी चढ़ी हुई हैं बड़े बड़े लोग डिमांड भी करते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता मेरा दिल है कि कभी चलें दो चार सूरतें स्पेशली स्टूडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो रिकॉर्डिंग करवा के चढ़ाई जाएँ लेकिन हमसे बेहतर पढ़ने वाले अरबी कारी दुनिया में मौजूद हैं आप उनके साथ प्रैक्टिस करें और मुख्तलिफ कारियों के साथ आप प्रैक्टिस करनी शुरू करें यानी उनके कैसेट लगा के या यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपने स्मार्टफोन पर लगा के और कानों पर लगा के कुरान की सामने खोलें और साथ साथ उनके साथ उसी तर्ज पर पढ़ते जाएँ आसा आस्ता आपकी अपनी एक तर्ज डिवलप हो जाएगी तीन चार कार्यों को सुनने के बाद आपके अंदर भी अल्लाह ने एक पोटेंशल रखा है वो भी सामने आ जाएगा ठीक है ना जी मतलब मैंने इतना अर्सा प्रैक्टिस करता रहा हूँ मुख्तलिफ़ कार्यों की करते 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 अब जब मैं सुनता हूँ तो मेरी तर्ज किसी भी कारी के साथ परफेक्टली नहीं मैच कर रही होती एक नई तर्ज सामने आ जाती है ठीक है तो अब इस सुन्नत पर अमल करते हैं मैं सुरतुल्फातह पढूंगा उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर इन शाह शुरू करते हैं तरन्नम के साथ पढ़ूँगा उसके बाद आमीन आपने ऊँची आवाज़ में कहनी है और उसके बाद जब मैं ये अरबी सिखाऊंगा प्रोनाउंस करने के दौरान आपने जो जो मैं अल्फाज बोलूंगा उसको आपने ऊंची आवाज़ में दोहराना है ताकि एक तो रिकॉर्डिंग में भी आ जाए और ताकि सुनने वाला जब इस वीडियो को देखे वो बोर ना हो जब मैं एक चीज़ कह रहा हूँ ताज़बर ता तो पीछे मुझसे दस गुना बड़ी आवाज़ आनी चाहिए ठीक है ना जी इतने बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं ठीक है मेरे ख्याल सत्तर अस्सी के करीब तो होंगे शायद इससे ज़्यादा हों इन ताला तो आवाज़ आपकी बीच में रिकॉर्डिंग में आनी चाहिए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضال. آمین بس إني كلمات کے ساتھ هم إن شاء الله اب کلاس کا آغاز کرتے ہیں ایک دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد हाँ जी पहली वाली स्लाइड लगाएं जी अल्लाह का नाम लेके ये मेरे भाइयों कुरान हकीम के उनतीस रूफ़ तहजी हैं इस वक्त इस पर तीस डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि ये छोटी या और बड़ी या को मैंने अलग से करके लिखा है और अलिफ और हमज़ा को अगर एक गिना जाए तो अट्ठाइस बनते हैं टोटल ये इनमें से जो ब्लैक एंड वाइट आपको नज़र आ रहे हैं ये वो हैं जो जिनकी आवाज़ें प्रोनाउंसिएशन वही हैं जो उर्दू और फारसी के अंदर हैं या पंजाबी के अंदर हैं या पश्तो के अंदर हैं और बाकी जो ये रेड एंड वाइट आपको नज़र आ रहे हैं जाहिर है ये रेड कलर में ये वो नौ हरूफ हैं जो हमने यहाँ पर सीखने हैं तो आप समझ लें कि आपने नाइन्टी परसेंट अरबिक तजवीज़ सीख ली अगर आपको ये नौ हरूफ़ सीखने आ गए बाकी सिर्फ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो पहले हम प्रोनाउंस करेंगे वो रूफ जो हमारे इल्म में हैं यानी ब्लैक एंड वाइट जिनके लिए हमें सीखने की जरूरत नहीं कोई आलहदा से मुंह बनाने की जरूरत नहीं है जो आपकी नेचुरल आवाज है ना वो वही अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बाल वो जनाब वो मीम की आवाज़ भी सिखा रहे होते हैं मीम वो जनाब वो मीम जिसको आई होती है हो वह भी भूल जाती है हालांकि मीम सिखाने वाली चीज़ तो नहीं है नून किसी उर्दू स्पीकिंग बंदे को नून सिखाई जाएगी कि नून यू निकालनी है फ वो ऐसे फ करके मेरा दो हफ्ते फा ही सिखाते रहते हैं भाई फा वही है जो आप बोलते हैं फवारा नहीं बोलते हम ठीक है न जी तो ये अभी सिर्फ मैं वो हरूफ कवर करूँगा जो हरूफ उर्दू ज़ुबान में ऑलरेडी हमें मालूम है और हम उनको यानी प्रोनाउंस करते हैं विदाउट सीखे हुए रेड वालों को मैं छोड़ दूंगा वो अलग से भी इन शी मैं बाद में उसको कवर करूंगा तो आपने मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है उर्दू में सिर्फ यह है कि इसको हम बे बोल देते हैं यानी मझूल पढ़ते हैं अरबी में हम इसे बा कह देंगे लेकिन आवाज़ वही वाली आएगी जब अल्फाज के दरमियान कोई चीज़ चली जाएगी तो आवाज़ तो वही निकलनी है बे की बा जीम, जीम खा ये ख्वाह वही है जो हम उमर खरगोश वाला ख्वा बोलते हैं कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है रॉ उर्दू में हम रे कहते हैं अरबी में रॉ कहते हैं थोड़ा पुर करके पढ़ते हैं बार इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं जा जा, जा की वही वहीफाज हैं उर्दू में भी इंग्लिश में जेड ये वही अल्फाज है सीन सीन, सीन।, सीन में सी की आवाज़ आती है जिस तरह एस है इंग्लिश के अंदर शीन, शीन। गफ उमूम हम जो काफ निकालते हैं वो बारीक वाला ही निकाल रहे होते हैं वो जो मोटे वाला है ना वो सिर्फ हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग ही निकाल सकते हैं कौफ ठीक है ना जी तो वो वो तो ये वाला भी वही वाला निकाल रहे होते हैं उनकी ज़ुबान पे नहीं वो वाला चढ़ा हुआ है बाकी हम जो आम उर्दू बोलने वाले हैं वो काफ इसी को कहते हैं लाम, लाम। मीम, मीम। नून, नून। वाव, वाव। हा, हा, अब ये हा हमें पता है लेकिन ये जो हा है ना जी ये सीखने वाली है ये हा वो है जो हम हा हाथ के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो हलवाई वाली हा है वो अरबी में हा हलक से निकलती है वो नौ रूप में से जो हमने सीखने हैं हमजा हमजा बोलने में हमजा है लेकिन जब इसके ऊपर कोई भी जबर जेर पेश आता है ना तो ये अलिफ की आवाज यानी हमजा जबर आ और अलिफ जबर आ एक ही है तो ये हमजा जबर हा नहीं होगा हमजा और अलिफ एक है इसलिए मैंने कहा था अट्ठाईस रूफ बनते हैं अगर आप इन दोनों को एक कर दें या, या और ये भी या ही है ठीक है वो हम उर्दू में या और ये कह देते हैं ऐसे लेकिन अरबी में दोनों ही या है इस तरह लिखें या इस तरह लिखें वो पढ़ा मारूफ ही जाएगा आप देखते हैं मुस्तफा लफ्ज है वो बड़ी ये के साथ भी लिखा जाता है छोटी के ये के साथ भी लिखा जाता है लेकिन वो पढ़ा उसी तरीके से जाता है अच्छा ये तो हो गए वो हरूफ़ बीस हरूफ़ हमने पढ़े हैं जो हमें ऑलरेडी आते हैं अब हमने नौ हरूफ वो सीखने हैं जो अरबी सीखने के लिए उर्दू स्पीकिंग लोगों को ज़रूरत है गोरों को तो बेचारों को ये सारे सीखने पड़ेंगे और मैं देखता हूँ गोरे इतनी ज़बरदस्त किस्म की अरबी बोलते हैं बंदा हैरान हो जाता है कारी बन गए हुए हैं सीख के और हमारे माशाल्लाह इसी तरह ही पैदा हुए हैं उस तरह ही जनाब जो कुछ भी है अल्लाह तेरे महबूब की उम्र से है वही रहे तरजा अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्र है छाड़ दे अल्लाह इन्होंने इन्होंने को सीखना तो और अल्लाह तला ने इस तरीके से छोड़ना तो नहीं ठीक है आगे आने दें आने थे दे, आने दे। इस तरह, आप इधर आगे हो जाए आप इधर आके वाकई बस इसको इसको वायर को बचाना है आपने ठीक है ना वो क्योंकि पीछे जगह नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम इधर बैठ जाए बस हाँ ठीक है अच्छा अब वो जो नौ हरूफ आपने सीखने हैं ना जी वो उसके लिए मुतवजह होना है और वो भी नौ नहीं सीखने पड़ने हैं आपको तीन चार ही सीखने पड़ने हैं उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें ये पहला हर्फ जो है ये आप देख रहे हैं सा, सा। अब वैसे तो उर्दू जुबान में इसको सीन कह देंगे इसको सा कह देंगे कहेंगे जी फर्क तो है ना वो सीन है ये सा है लेकिन जब अल्फाज के अंदर जाएगा फिर तो नहीं पता चलेगा मसलन मैं कहूं जी लफ्ज है सूरत अरबी में जो सूरत लिखा जाता है एक उर्दू में सूरत स्वाद के साथ है वो सूरत कहते हैं उसको शक्ल को एक सूरत है जो हमारी सूरतें तो सूरत में जो ये वा सीन की है सा की है ये स्वाद की है तो हम डिस्टिंग्विश तो नहीं कर सकते जब तक आपको अरेबिक नहीं आती है उधर तो कोई नहीं कहेगा नहीं वो से है तो सीन है दोनों की आवाज़ सा ही आ रही होगी तो इसलिए इसको सीखना पड़ेगा ये सा जो है ये इसमें सीटी की आवाज़ को आपने अवॉइड करना है सीन में सीटी की आवाज़ आती है जो ऑलरेडी आपको आती है मुझे आती है सीटी की आवाज़ को अवॉइड करने के लिए जो ये ज़ुबान है जुबान का जो अगला किनारा है जुबान की नोक वो ये जो अगले दांत हैं इनके किनारे के साथ हल्की सी अंदर की तरफ टच करेंगे तो सीटी की आवाज खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और बड़ी नरमी से ये लफ्ज सा निकलेगा पहले प्रैक्टिस करने के लिए आप जुबान थोड़ी देर बाहर ही रखें ऐसे सा लेके सा। को, ले को मुसलसल टच रखें सा ठीक सा, 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 सा। है ये कोई मुश्किल नहीं है सा आपने सीख लिया तो अब आपको तीन रूफ आ गए इसी मखरज से ये लफ्ज भी निकलता है जाल 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 नहीं होगा ये वो जा वो दूसरे वाला है जो आपने सख्ती के साथ निकालना है वो जेड वाला है वो ये वाला है इसको नरमी से निकालना है उसी मखरीज से निकलेगा जहाँ से सा निकला हैाल सुरतुल्फात में ये लाल ही है सरात रीना अन तालीम वो सरात लीना नहीं है हम ये पढ़ रहे होते हैं हालाँकि वो ये है सूर फातह भी नहीं आती मुसलमानों को प्रोनाउंस ही कर सके अनम तालीम तालीम पढ़ रहे होते तालीम। अब आप अरबी कह रही हों कि जब केसर लगा के सुनेंगे ना या यूट्यूब के ऊपर आप उनकी वीडियो लगा के तो आपको पता चलेगा कि वो जी की आवाज तो आती नहीं सीटी की आवाज़ तो उनके पास आती नहीं है क्योंकि वो ये पढ़ रहे होते हैं उनको पता होता है दा। किताबो लाई फा ला रई बफी वो पढ़े होते हैं किताब कितना फर्क है था लाल का एक ही मखरज है और तीसरा ये जो जुएं जिसको आप कहते हैं इसका भी यही मखरज है लेकिन ये थोड़ा सा लाल को आपने मोटा करके पढ़ना है तो ये बन जाएगा ये बनेगा वाल वा। जहां से निकाला वहीं से ज़ुआ नहीं पढ़ना वा। 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 अब ये जो सुर आप जो रुकू में पढ़ते हैं सुबहान रबी अलाउीम तो मुसलमान क्या पढ़ रहा होता है अजीम वो ये पढ़ रहा होता है वो इवन ये भी नहीं पढ़ रहा होता हालांकि लफ्ज है आउीम वाह तो ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है मैंने आपको एक दफा ये करवा दिया अब मज़ीद अगली स्लाइड में आपको मैं मजीद फर्क इन शाह सिखा दूंगा लेंज ये तीन आपने सीख लिया नौ में से अच्छा जी उसके बाद आप आ जाए ये मुश्किल तीन हरूफों में से हा हलवाई वाला जो हा है ये वस्ते हलक से यानी हलक के दरमियान से निकलता है ये कभी आप वो गले वाली टाफी खाए ना वो वाली आवाज एक्सेप्ट बिल्कुल क्लियर वहां से जो निकलती है ना ये हा का मखरज हुई है हा, हा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप जो अमूमन पढ़ रहे हैं ना वो ये वाला पढ़ रहे हैं लेकिन सुरह अखलास इक्की सूरज याद की थी जो ओहे भी है जय उलह अल्लाहू आद नहीं है हद का तो मतलब ही कुछ और मान जाता है यकता आ हद तो हा की पहले प्रैक्टिस इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हा के ऊपर वस्ते से इसकी आप प्रैक्टिस करें ठीक है ना 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 प्रैक्टिस करो हा हा यह हलक में से निकालना है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इनशाला जी शाह जी ना जी शाह नहीं देखो ना एक जनाब इतनेज भी प्रैक्टिस करनी है आपने अब आप अरबी कारियों की यूट्यूब के ऊपर वीडियो चलाएं और आपको ये पूरे पूरे कायदे जो है ना ये प्रोनाउंसिएशन के साथ भी मिल जाएंगे लेकिन मैंने आपको ये चीज सिखा हा का मखरज जो है ना यानी वस्ते हलक उधर ही से ये आइन भी निकलना है आइन आइन या फर्क दे ना आइन वाहू अल आलीम ठीक है जी सुबह रबी अलआईमी पढ़ दो अजीम ना आइन पढ़ दो ना वाह पढ़ दो अलीफ और जे से आप अजीम पढ़ रहे होते हैं देख लें आप ये सीखेंगे तो आएगा ना आउम ठीक है ना तो आइन ये लफ्ज क्या है आइन आली लफ्ज है अरबी में उर्दू में खैर चल जाएगा आली आ, अली उर्दू में भी चल जाएगा अलीफ के साथ लेकिन ये आइन के साथ आइन आइन अच्छा इसमें जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल मेरे जैसी आवाज निकाल लें पहली दफा मखरज आपका ठीक होना चाहिए आस्ता आस्ता आवाज निकल आएगी अगर आपका मखरज ठीक है आवाज ना भी ठीक आए तब भी आपकी आवाज़ सही शुमार की जाएगी आप थोड़ी कोशिश करें आइन बोलने की हाँ जी तुम ही बोलो जी आबिद भाई आ, निकल आए है ना ना जी ना आइन हाँ जी शे भाई जी आसिम साहब ठीक है आइन हाँ जी फरहान भाई ना किधर आइन आइन ये प्रैक्टिस करनी है अब इसको सीरियस लेना है जिस तरह बाकी चीजें सीखना है ये भी तो सीखने वाली चीज है ना ये तो सीखनी है ना अच्छा अब जाहरा किधर मैं अगर सिखाने बैठ गया तो फिर तो दस घंटे लगेंगे मैंने तो अपनी डेढ़ घंटे के अंदर क्लास खत्म करनी इंशाल्लाह तो सिर्फ आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए ये तो हमें आता है सीन सीन, सीन का मखरज और स्वाद का मखरज एक है सिर्फ इसको मोटा करके पढ़ना है इसमें भी सीटी की आवाज आएगी स्वाद स्वाद सीन स्वाद सीन स्वाद सीन. सीन. सीन की आवाज को मोटा किया स्वाद बन गया ठीक है देखो फात्या में हम क्या पढ़ होते हैं सिरातनाजीना तो सिरात तो नहीं है वो, वो है फाते ही नहीं पूरी होती सूर्य फातिहा के गीदे को तो ला था रो रहे हैं का, का नस्ताइन वो भी गलत पढ़ते जे वो नस्ताइन नहीं है नस्ताइन है आईन है नाबु व ईया का नस्ताइीन इसका मतलब तो लादा उम्मत को समझाना पड़ रहा है इसकी प्रोनाउंसिएशन भी समझानी पड़ रही है कि यार इसको तो सही पढ़ो वो क्या पढ़ का का नस्ताइन। गलत पढ़ रहे नस्ताइन में तो आपने अलिफ या हमजा पढ़ दिया नस्ताइन जब पढ़ेंगे वो आइन होगा ठीक हो गया जी सीन स्वाद ठीक हो गया जी सेम मखरिज है ले जी ये आपके सारे कवर हो गए आप पीछे ये दो और ये रह गए ये है अच्छा जैसे सीन को मोटा किया था ना स्वाद बन गया था जो ता आपको दो नुकतों वाली पता है इसी को मोटा कर दे तो बन जाता है उसी मखरे से ता। ता। नहीं पढ़ना वाओ नहीं आनी चाहिए बीच में तो तो सिरा तल्लाना नहीं होगा सिरा ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी तो ये क्या हो गया तो को मोटा किया तो अच्छा ये भी कवर हो गया अब ये आ गया वो कैंची वाला काफ ठीक है उल वाला काफ और कल्ब वाला काफ ठीक है ना जी तो इसको आप प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे तो निकल आएगा ये यानी मैं आपको जुबान के चक्कर में नहीं डालना चाहता क्योंकि मैं वोकल एतबार से समझा रहा हूं तो इसको आप मेरे जो मुँह से निकली हुई आवाज़ है इसको कॉपी करने की कोशिश करें तो आपका खौफ निकल आएगा खुद ब खुद वैसे तो ये खौफ जो है वो आपकी ज़ुबान की जो तालू है ना पिछली साइड वाला उसको ज़ुबान का जो ऊपर वाला हिस्से में जो पिछला हिस्सा है ना उसको आप ऊपर तालू के साथ टच करेंगे उसी हिस्से में ऑफ़ निकल आएगा तो अभी आप प्रैक्टिस करें ऑफ 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 ठीक नहीं देख लो अंकल जी ने सही काट देता है मुबीन भाई बिल्कुल सही है शाहजी ऑफ ये तो सारों ने निकाल लिया जी ऑफ ये पता नहीं कैंची वाला सी तांग काट लिया ठीक है ऑफ और एक आम काफ है वो हम वो काफ तो कल्ब कुत्ते के लिए और इसके लिए ठीक है ना ठीक है ना तो आप कभी उर्दू स्पीकिंग लोगों को हमारे जो कराची के लोग हैं उनको कभी बोलते हुए सुने ना हमारे जो पॉलिटिशियंस भी हैं तो आप देखें वो कितनी शुस्ता किस्म की उर्दू बोल रहे होते हैं इवन वो कौफ वाले जो अल्फाज आते हैं उसमें से वो कौफ़ ही कह रहे होते हैं ठीक है ना जी तो वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे वो कबर कुछ आई वो कहेंगे कबर खोदी गई वो कौफ को उस तरीके से औौ बोल रहे होंगे ठीक हो गए जी ले जी ये सारे रूफ कवर हो गए अब अरबी जुबान का मुश्किल तरीन हरफ ठीक है जी वह हैरबील है। तो उसमें यह दुआद अच्छा दुआ का आप मखरज सीख लें नबीसलाम की जो तारीफ में कलेम बोले जाते हैं उनमें से एक यह है कि नबीलाम सबसे फसीहुलिसाम थे सबसे बेहतरीन द्वाद का मखरज बोलने वाले भी थे द्वाद का आसान तरीन तरीका मखरज का यह कि यह जुबान है ना जी आप जुबान की जो दाई या बाई करवट कोई ये करवट इसको ऊपर के दांतों की जड़ में लगाना है अब दाल और द्वाद में जमीन बसमान का फर्क है ये ये मखरज ये बिल्कुल डिफरेंट है वो तो दाल आम है बौद इसमें भी जो आप लेफ्ट वाले को अगर ऊपर की दांतों की जड़ में लगाए ना जुबान की लेफ्ट वाले किनारे को ऊपर की दांतों की जड़ में इस तरफ तो बहुत आसानी से निकलता है बौद्ध 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 जी फनान भाई बौद्ध बौद्ध शाहजी बौद्ध जी सिद्धार्थ सही कट है जी हाजी मास्टर जी तुशी बौद्ध अच्छा इसको जवाद नहीं पढ़ना वो जाद जो पढ़ते हैं वो ये वाला लफ्ज पढ़ देते हैं ये वो पढ़ देते हैं ये जदाद का फितना जो है ना वो हमारे मुल्क के अंदर आया है फारसी की वजह से चूँकि फारसी में जुआ पढ़ा जाता है चूँकि फारसी में उर्दू में भी हम जदाद ही पढ़ते हैं आ, लेकिन अरबी में ये लफ्ज़ आप जितने अरबी का, कारी हैं उनको सुने आ, पिछली सदी में सबसे बड़े जो अरबिक के कारी हैं वो अब्दुलबासत अब्दुलसमत राहुल तसर के थे आप उनका कुरानकीीम सुन लें या इमाम क़ाबा सुदेश का सुन लें इब्राहिम शरीम का सुन लें मिशारी राशिद का सुन लें अबू बकर शातरी का सुन लें साद गामदी का इब्राहिम जिबरीन का इन सारे कारीों को आप सुने सदीक़ अलमनशावी को सुन लें इमाम उजैफ़ी को सुन लें सब दुद पढ़ते हैं यहाँ पर सिर्फ बिरलवी है वो दुद पढ़ते हैं वो भी इसलिए शहद आमजा बिरलवी साहब ने किताब लिख दी थी कि दौद को जुआ पढ़ना हराम है तो इस वजह से ये चल पड़ा और या हदीस हैं जो दुआद पढ़ते हैं उनमें बाद जुआवात भी पढ़ते हैं बाद ज़्यादातर अरब के ज़रिए से दुआद ही पढ़ते हैं देवान में भी तार जमीद से आप ही पढ़ते हैं चूंकि उनको अरबी आती है और एहतियो के अंदर तो हंड्रेड परसेंट ही जुआद चल रहा है बल्कि वो मैं बाद का जौक के तौर पर कहता हूँ कि शिया और देवंदियों में एक चीज़ कॉमन है वो जुआद है ठीक है वो क्या कामन है ना दोनों जुआद ही पढ़ते हैं लेकिन अरब के जो शिया है ना वो जुआद नहीं पढ़ते वो दुआद ही पढ़ते हैं आप अरबी शिया के लेक्चर सुने उनकी किरात सुने वो बौद्ध पढ़ते हैं क्योंकि वो अरबी लिंग्विस्टिक को अरबी लिंग्विस्टिक एक अरबी यहूदी भी होगा ना अरबी लिंग्विस्टिक को हमसे ज्यादा जानता होगा जैसे एक गोरा है वो अंग्रेजी को हमसे ज्यादा जानता होगा अकीदे से हटके ये तो लिंग्विस्टिक है ना जुबान है तो ये लफ्ज है बौद बौद यानी लेफ्ट जुबान का किनारा ऊपर के दांतों की जड़ में लगाना है या दोनों को पैरेलल में दोनों को भी लगा सकते हैं बौध एक तरफ भी दोनों तरफ भी जिस तरह मर्जी बौद, 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 बौद बाकी ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी एक दफा मैं इसको रिपीट करवा देता हूं जो हमने सीखे आ, ये जुबान के किनारे को ऊपर के दांतों के किनारे के साथ लगाना है जुबान के किनारे को तो ये तीन अल्फाज निकलेंगे फा वॉ वस्ते हलक से निकलेगा इन सीन को मोटा करेंगे तो सीन स्वाद, ठीक हो गया जी और ता को मोटा करेंगे तो बाद बॉद तो।, तो, तो ये नौ रूफ है जो हमने सीखने थे बाकी बीस रूफ हमें आते हैं इसलिए कोई मुश्किल नहीं अब अगली स्लाइड रखें जी अब uh, उसमें आप कंपेरेटिव थोड़ा सा शुरू होगा ना तो आपको मजीद समझ आएगी जिसमें हमने बड़े इंटेलेक्चुअल वे में इसको मैनेज किया है कि जो एक तरह के मिलते जुलते अल्फाज थे ना जी उनको हमने इकट्ठा लिख दिया है ताकि आपको फर्क करना आ जाए ये आप समझ लें पूरा कायदे का उसका निचोड़ ये निकला है इसके अंदर इसमें अकलमंदी की गई है आपके पास ये जो पेज है ना इसमें भी ये दूसरी वाली स्लाइड यही बनी हुई है अगर आप गौर से देखें तो हाँ तो अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो वहां से भी देख सकता है इसमें ये दोनों, जिसको में ते और या देते हैं, दोनों की आवाजें उर्दू में निकाल रहे होते हैं ये इकट्ठे लिख दिए हुए हैं ताकि आप फर्क कर सकें अब आपने उस फर्क को जो सीखा है उसके साथ इसको पढ़ना है ता, ता तो, तो, सीन स्वाद ता सीन स्वाद ता सीन स्वाद इन दोनों में सीटी आएगी और इसमें सिटी की आवाज नहीं आएगी हा 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 ये हा आम ही है अच्छा लाल नहीं ये सीटी की आवाज नहीं दाल में आनी चाहिए ये नरमी वाला है ये इसके नीचे आया हुआ है दाल नरमी के साथ दाल और कुरान में नाइन्टी परसेंट यही वाला दाल है ये बहुत कम है इस देन में रखिएगा एन सीखना पैना भाई ये सबसे ज्यादा यही है लाल इन दोनों का मखरेज एक है सर इसको मोटा करते हैं बौध दाल, दाल, दाल अब दाल बिल्कुल डिफरेंट है दाल और दाद का कोई ताल्लुक ही नहीं है और ये हमारे कई गैरिल गलमी अलीम में ये दाल ये पढ़ रहे होते हैं वो हराम है जिस तरह गैरलमूबी अलीम पढ़ना हराम है गैरिल ममदूबी अलीम भी गलत है ग़ैरमूब अलीम है महबूब अलीम ठीक है ना जी बौध बौध दाल, दाल बौद, बौद दाल हमारे ऑफिस में एक कारी साहब थे तो वो ना पढ़ते थे ग़ैरमूब आलिम वलिन वो जुमे की नमाज़ पढ़ाते थे तो मैंने एक दिन उनको ना खड़े करके पूछा वो जो बंद थे मत फिक्र से ताल्लुक़ रखते थे आप तो खैर न्यूट्रल हो चुके हैं माशाला मैंने कहा जी ये आप अरबी सीखी हुई है कहते हैं हाँ तो मैंने कहा ये आप गैरमुबलीम क्यों पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा वो इसलिए पढ़ता हूँ कि बरेलीवी जो है ना मकदूब हलीम पढ़ते हैं ये इल्मी दलील है तो वो एक समझे कि एक जिद में भी मामला चल रहे होते हैं बात इल्मी नहीं हो रही होती जज्बाती हो रही होती है तो ब्रेलवी द्योबंदी को छोड़े मसला ये है कि कौन सी बात ठीक है बाध दाल बौद दाल ऑफ कैफ ऑफ कैफ ऑफ कैफ वैसे तो इसको मजीद जितना बारीक कैफ करके भी पढ़ सकते हैं लेकिन आम भी कैफ ठीक है ऑफ कैफ आइन इसके साथ अगर कोई मिलती जुलती आवाज होगी तो वो अलीफ की होगी क्योंकि आप अली लिखेंगे तो उसको आली पढ़ेंगे अली के साथ पढ़ेंगे तो अली बनेगा तो आइन आइन अच्छा ये जो रूफ़ तहजी हैं ये इनफरादी हैं इनको कहा जाता है मुफरिदात अरबी जुबान के अंदर मुफरिदात, मुफरिदात। यानी फर्दन फ़र्दन अल्फाज हैं ये आगे आ रहे हैं मरक्बात मरकबात ये होते हैं कि एक से ज्यादा अरबिकरूफ़ मिल के आ, अल्फाज को बनाते हैं इसमें आप देख रहे हैं कि हरक़त को नहीं लिखी हुई जबर जैर पेश इसलिए हमें बगैर जबर ज़ेर पेश के अप्लाई किए हुए नए बंदे की हैसियत से सिर्फ इसको डिस्टिंग्विश करना है कि ये क्या लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे लाम अलिफ लाम, लाम, लाम अलिफ लाम अलिफ बस ये पढ़ना है ला नहीं पढ़ना हम ये बताना चाहते हैं कि लाम की शक्ल वैसे तो इस तरह की होती है लेकिन अल्फाज में जाके ये भी बन जाती है अब जिस नए बंदे हमें तो उर्दू की वजह से पता है ना लेकिन आम आदमी जो नया नया सीखेगा वो तो कहेगा लाम पूरी क्यों नहीं लिखी हुई पूरी लाम तो इस तरह की होती है इस तरह तो नहीं होती तो ये क्या हुआ बा लाम ठीक है यानी बा वैसे तो होती है लंबी करके इस तरह ये आके बड़ी छोटी सी है तो ये मरकबाद में यानी अल्फाज इंग्लिश में ये, ये प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश में जनाब अगर मोहम्मद में मीम यू एच ए डबल एम ए डी है ना तो अलदा भी करके लिखे तो यही बनेगा ठीक है लेकिन अरबी में और उर्दू में तो ये है कि वो अल्फाज की ही बदल जाती है बीच में जाके काफ देखें पूरा नहीं आया इस तरह फा पूरी आ गई लेकिन काफ थोड़ा सा टुकड़ा है काफ फा तो काफ़ नून।, काफ नून।, नून जीम नून लाम मीम लाम मीम।, मीम नून, मीम नून।, मीम नून। हा, मीम। हा, मीम। हा मीम अब ये वो ही हा है और ये इस तरह दो आंखों वाली भी हो जाती है हाता हाता या, या, या भी है साथ ठीक है हा लाम, लाम काफ लाम ऑफ लाम कैफ लाम बाफ लाम यानी ये कशवल काफ़ लाम बा और ये दो नुकतों के साथ अब मैंने इसमें जबर जेरी सीन डाले सिर्फ ये बताया जाए कि अल्फाज बीच में जाके वैसे तो ये अल्फाज कुरान से ही मैंने उठाए हुए हैं अरबी जुबान के ही है लाम अलिफ जबर ला बल ये बन सकता है कफ बन सकता है कब बन सकता है कुन बन सकता है जिन लम मन हुम, हत्ता, हल कुल उल और कल बुन और कल बुन अल्फाज भी हैं लेकिन इधर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अल्फाज जब अंदर जाते हैं ना तो उनकी शक्ल बदल जाती इसको रही है इसको ज़रा उतारिए मैं इनको मजीद इसमें ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ तो इनको ये बात समझ आएगी अब आप ये देखें ये लफ्ज़ मोहम्मद है ठीक है जी अरबी स्टाइल में मैंने लिखा है अब मीम इस तरह तो नहीं होती है हम तो मूम मीम जो है यूं करके लिखते हैं और हा यूं लिखते हैं लेकिन अल्फाज में जाके मीम ये इसका मीम का ये हिस्सा ख़त्म हो जाता है इसका भी ख़त्म हो जाता है हा भी पूरी नहीं आती अब नया बंदा तो वो कहेगा वो तो मोहम्मद लिखेगा जी ऐसे करके ऐसे ऐसे और फिर ऐसे जोड़ेगा वह तो फिर उससे तो जोड़ बैठे फिर आप ठीक हो गया तो अल्फाज में जा के यानी मरकबात के अंदर जाके जो इनफरादी अलफा हैं उनकी शक्ल बदल जाती है लेकिन ये चीज़ें गौरे को जरूर सीखनी पड़ेंगी हमें नहीं सीखनी पड़ेंगी क्योंकि हमें अरबी आती है इसलिए कि हमारे उर्दू के अल्फाबेट्स वही हैं अब ये गौरे को तो यो तो पूछेगा यार ये या कहाँ से आ गई इसमें यहाँ तो ये होती है इसकी तो दूर दूर तक शक्ल नहीं मिलती और उस या के नीचे तो नुकते भी नहीं होते हैं ये नुकते कहाँ से आ गए पूछेगा ना लेकिन हमें उर्दू की ऐसे पता है कि या के नुकते होते हैं बाज अरबी लोग जो हैं वो या के नुकते भी डालते हैं आप अगर देखें ना कहीं सईद नली के नाम के नीचे भी नुकते उन्होंने यूं भी डाले हुए होते हैं वो चला भी लेते हैं उस तरीके से ठीक है इस तरह यह रब्बी लफ्ज लिखा हुआ अब रब्बी तो यूं होना चाहिए था रबी ऐसे इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स का चक्कर होता तो यही रबी इस तरह ही लिखा जाता है लेकिन उर्दू में और अरबी में तो जुड़ के देख लें बा बेचारी इतनी सी रह गई है और सारी जगह या ने ले ली है ठीक हो गया जी तो ये आप गन देखें गईन जो है वो तो पूरी गैन तो यूँ होनी चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पर आप देख लें सिर्फ उसकी ये आ गया मरकबात के अंदर अल्फाज की शक्ल बदल जाती है और यही चीज़ सिखाने की कोशिश की गई है अगली स्लाइड लगाएं जी ले जी आपका पहला सबक स्टार्ट हो रहा है अरबी रूल्स को अप्लाई करने के एतबार से टोटल दस रूल्स हैं जो आपने सीखने हैं उनमें से पहला जो रूल है वो है हरकत से मुतल ठीक हो गया जी इधर रखें जी इसको कवर करें उनको छोड़ें हाँ जी पहला रूल जो है वो हरकत से मुतल है हरकत उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है मोशन यानी ऐसे सिंबल्स जो अरबी अल्फाज के ऊपर लगा दिए जाए तो उनमें हरकत पैदा हो जाती है अच्छा मसलन आ, ये लफ्ज है स्वाद स्वाद ही है ना लेकिन इसके ऊपर अगर जबर डाल दें तो ये स्वाद नहीं रहेगा स्वाद बन जाएगा यानी उसमें हरकत पैदा होगी इसीलिए हम जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं और ये गब के अल्फाज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है उर्दू में तो चल जाता है तो ऐसी सिम्बल्स जो अल्फाज में हरकत पैदा कर दें हम उन्हें कहते हैं हरकत तो हरकतें तीन हैं वो आपको पता है ज़बर जेर और पेश उर्दू में भी इतनी है चौथी तो कोई हरकत नहीं है इन्हीं को ही आगे यूज़ किया जाता है फिर तो हरकत के ऐसे अलफाज के अंदर हरकत पैदा हो जाएगी जो मुफरदात हैं वो हरकत में आ जाएंगे और वो आपके सामने आपने आवाज़ अब वही इस्तेमाल करनी है जो शुरू में सीख चुके हैं ता और तोाह के फर्क के साथ उसको प्रैक्टिकली पहले रूल के ऊपर हरकत के रूल के ऊपर आपने अप्लाई करना है और ये आपके जो कागज़ है ना इसके ऊपर भी पहला सबक यही लिखा हुआ है ये देखें आप ये वही सबक लिखा हुआ है जिसकी स्लाइड इधर दिखाई है ठीक हो गई अब मैं इसको पढ़ता जाता हूँ आपने मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है ता जबर ता तापतू अच्छा अब यहाँ पे बड़ी पॉइंट की बात है जो सीखने वाली है जैसे हर चीज की मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई पैमाना इस्तेमाल होता है आप जब मार्केट में जाते हैं तो क्या कहते हैं एक किलो चीनी दे दो या एक मीटर चीनी दे दो और कपड़े के लिए एक किलो कपड़ा कहते हैं या एक मीटर मीटर इला है कि वो तौलवा कपड़ा उधर लाता उधर ना न पे भी हो तुम मैंने तो गलत मैंने डर लगे रहता कोई गलती ना कर लेको है ए तौलवा कपड़ा भी तो होता है ना हों छ आम कपड़ा मीटरों में ही मापा जाता है या चीज़ें तोली जाती हैं या मापी जाती हैं अच्छा अरबी जुबान में भी जो अल्फाज के खिंचाव है ना ये मापे जाते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है ना जैसे वजन के लिए मैस के लिए किलोग्राम है और लंबाई के लिए आप मीटर इस्तेमाल करते हैं अरबी में अल्फाज की खींचने की लंबाई के लिए जो पैमाना इस्तेमाल होता है उससे कहते हैं एक अलिफ की मकदार ठीक है जी क्या कहते हैं एक अलिफ, अलिफ, अलिफ तो की मकदार अब हम जब भी बात करेंगे ना तो हम अलिफ में करेंगे कि इसको तीन अलिफ खींच इसको चार अलिफ खींच दो इसको पाँच अलिफ खींच दो इसको आधा अलिफ खींचो सबसे कम जो है वो है आधा अलिफ और आधा अलिफ इज इक्वल टू वन हरकत होता है ये कहीं लिखा नहीं जा सकता ये नसल दर नसल अमली तवातुर से आवाज ट्रांसफर हुई है और जुबान इसी तरह ट्रांसफर होती हैं जुबान तो है ही जुबान से जाहिर है तो ये अरेबिक रूल में तय किया गया है कि हरकत जो है ये आधे अलिफ के बराबर होती है तो जितना लंबा हरकत को खींचा जाता है ना ये होगा आधा अलिफ इसको डबल कर देंगे तो एक अलिफ बन जाएगा ता जबर ता और अगर मैं ता अलिफ जबर ता वो हरकत से डबल हो जाएगा वो एक अलिफ के बराबर हो जाएगा ठीक हो गया तो हरकत जो आम नॉर्मल बग़ैर झटके के ताज़बर ताजर ती ता, 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 ता।, ता पेश ता ती तू ये ता ये जितनी लेंथ है ना ये आधा अलिफ है ता एक अलिफ ता दो अलिफ ता तीन ता चार और इससे भी लंबा करें वो है बोलो बौ पढ़ हराम है ऐसे पढ़ना वो मदे वाजिब है वो खींचना जरूरी है कम अज कम पांच अलिफ तक हूँ पता चलना मैंने बा पढ़ा मैं, मैं सह क्यों चढ़ रहा होंगे अकल ना हो मौजा ही मौजा अकल हो सोचा ही सोचा जिसे अकल हो तो सोचेगा तो मतलब में जो अलिफ के ऊपर बड़ी वाली बद है वो पांच अलिफ तक खींची जाती है यानी दस हरकत की लेंथ के बराबर ये यूनिट सीखना जरूरी है अब आप इस तरफ आ जाए ताजर ताजी तापिश तु ता आवाज़ें वही रखनी है ए ना ताती तू पढ़ो वही अब ये नरमी वाला है बगैर सा सी सा सा सी सू। टी सा। सा। सू।, सा। सा। सू अब देखें जैसे ही जबर जेर पेश आना शुरू हुई आपको अल्फाज का फर्क पता चला उसको हमने पढ़ा सा सी इसको पढ़ा सो श्री सु कितना फर्क है अब वो आस्ता आस्ता आप अगले स्टेप में सीख रहे हैं चीजों को हा ही हा फी हु हा ही हु रा री रू द दी दू सीटी नहीं इसमें नरमी रा री रू द दी दू जा जी दू इसमें वो सीटी जेड वाली आवाज और ये वही बखर है लेकिन थोड़ा मोटा व दी वो व दी दू ब दी दू ब दी दू दी दू ई का की -कू। आप देख ले का की कु और कई कितना फर्क है जैसे ही आप एराब उसके ऊपर यानी हरकत अप्लाई होती हैं तो आप देखें फर्क आ ई ऊ हमजा और अलीफ मैंने बताया था एक है और लफ्ज अलिफ इस्तेमाल ही नहीं होता हमजा ही इस्तेमाल किया जाता है अलिफ उम साइलेंट के तौर पर ही आ रहा होता है या मद्दा के लिए अब ये हो गया आ ई और आपके उर्दू वाले इसको भी आ ई ही पढ़ेंगे लेकिन आपने क्या पढ़ना है आ आ अब आपको फर्क पता चला ये क्यों सीखना पड़ेगा आईन वरना तो आप आम बंदे को खड़ा करें वो कह लिखे जी या इधर अलिफ डाल दे वो कहेगा आ ई आ ई तो ई होगी ठीक है ना ये है आ ई वो है आ ई ठीक होगा जी ये आपने प्रैक्टिस करनी है आ, बाकी इन शी आसानी होती जाएगी मैं आपको यानी ओवरव्यू करवा रहा हूं अब अगली स्लाइड ले जी ये आपकी समझ लें आखिरी स्लाइड है अरबी ख़त्म सर ख़त्म ठीक हो गया जी अब आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी ही करनी है जो हाँ लेकिन ये एडी जल्दी नहीं खत्म होनी है एली सारे मैं दस से दस रूल लिख दिए हैं, ठीक है जी अच्छा इसको सीधा करके रखते हैं, रखते हैं फिलहाल हाँ ऐसे हाँ जी ये कुल दस रूल्स हैं जो कुरान हकीम में सीखने अरबी लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। उनमें से आपने पहले वाला आपने वो पूरी तख्ती सीख ली है पहली वाली पूरी तख्ती आप सीख चुके हैं ताती तू और आगे वही फिर पूरी तख्ती चल पड़ेगी ठीक हो गया जी यह आप सीख चुके हरकत जबर जेर पेश आधे अलिफ के बराबर खींची जाती है और इसको आपने बगैर झटके के नरमी के साथ पढ़ना होता है हरकत ता ती तू इसके आगे फिर वो चलता जाएगा तो ती तू सा यही काम आपने बाकी आप दूसरा जो आपने उसूल जो अरबी का सीखना है वो है हैरूफ मद्दा मद्दा कहते हैं अरबी में खींचने को यही अल्फाज अगर इस तरह लिखे जाए कि ता, ता के साथ एक अलिफ लगा दी जाए तो इसकी खींचने की लंबाई इससे डबल हो जाती है यानी ये पूरा अलिफ बन जाती है दो हरकत ठीक है ना जो मैंने बताया था लगफुर रहीम और ला गुर रहीम ये वही फर्क है ता तो इसको पढ़ते हैं अलिफ जबर ता पढ़े ता अलिफ जबर ता ये होगा ता और ये होगा ता डबल खींचना है और कोई फर्क नहीं है मद कहते हैं खींचने को ये हो गया अलिफ मद्दा ये हो गया या मद्दा और ये हो गया वाओ मद्दा ये याद रखने जरूरी नहीं है अलिफ मद्दा ही बन सकता है जबर के साथ और इसके साथ या के साथ जेर ही आती है और वाओ के साथ पेश ही आती है आपको पता है वैसे ही पता है तो ता अलिफ जबर ता, ता या जेरती ता ता ती तू इसको आपने क्या पढ़ा था ता ती तू, तू। वो आधा अलिफ था यानी एक हरकत और ये पूरा ठीक हो गया जी क्लियर हो गया अच्छा इसी को लिखने का एक और अंदाज है वो है खड़ी हरकत वो तीसरा रूल आ गया उन्होंने कहा बजाय अलिफ लगाने के ना है, इस जबर कोई सीधा खड़ा कर दें तो इसका मतलब होगा कि इस जबर से इसको डबल खींचना है इन दोनों में कोई फर्क नहीं है सिर्फ लिखने का फर्क है आप कई अरबी कुरान देखेंगे ना तो मुल्क में तबारकी बदल मुल्क जो है ना ताबा अलिफ के साथ लिखा होता है और किसी का लिखा होगा ताबा खड़ा जबर ये दोनों सेम है हंड्रेड परसेंट आप चाहे कुरान में यूं लिख दें यूं लिख दें कोई फर्क नहीं है ठीक हो गया तो ये उसका इक्वेलेंट है ता खड़ा जबर ता बल्कि ता खड़ी जबर ता, ता खड़ी, ता। ता खड़ी, खड़ी जेरती खिला नहीं सुन सकते उन्होंने कहा ही कर दो जबर तो खड़ी हो सकती थी ना पेश को कैसे खड़ा करें जितना भी खड़ा करें वो पेश के करीब बनेगा उनका ही कर दो तो ये उल्टा करने का मतलब ये है कि इससे ये डबल खींचा जाएगा यह तापेश है और ये होगा ता ताउुलटा पेशतू कोई फ़र्क नहीं है सिर्फ इसको लिखने के अंदाज़ का फ़र्क है इसलिए हमने इसको तीसरे कायदे के तौर पे लिखा है वरना अरबी इस दोनों को एक ही चीज़ मानते हैं खड़ी हरकत हो या रूफे मद्दा हो ये एक ही है अब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें मैंने आपको जो कागज़ दिए हैं आप अपने साथ ले जाए इनके ऊपर ये सारी वाली प्रैक्टिस लिखी हुई है आप नुरानी कायदा डाउनलोड करें रहमानी कायदा करें मदनी कायदा करें या और जो क़ुरानी कायदा वो करें तो उनमें ये सारी प्रैक्टिस लिखी है अब मैं दोबारा से आपको इस पर भी पूरी पट्टी पढ़ाई जा सकती थी ता ती तू तो ती तू सा सी सू। तो वो आपने अब एंड सो ऑन खुद ठीक हो गया वो आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है वो इसके ऊपर मैंने आपको लिख के दे दिया आप ये देखें इस पेज पर पे जो चौथे वाला डब्बा है वो यही तो है पेज खोल के देखें तालिफ जबर ता तू ती या यू ई सा सू, शा, शु, शी, रा, तो यानी ये, ये डबल बात ये दूसरी आपने सीख लीजिए कोई प्रॉब्लम आई है आपको ये सब कुछ आपको पहले ही पता है सिर्फ आपको आज नई बात पता चली कि इसके मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी इसकी एक पैमाना है जिसके मुताबिक हम करते हैं रूफ़ लीन चौथा सबक लीन कहते हैं अरबी में नरमी से पढ़े जाने वाले हरूफ ये आपको पता है जबर के साथ अभी तक तो अलीफ ही आ रहा था तो खेचा जाता है अब उन्होंने कहा कि अगर जबर के साथ वाओ लगा दिया जाए तो क्या बनेगा ता वाव जबर तऊ माली की यऊ मिदीन वो जो यऊ आता है वो क्या है लीन है ठीक है वाव लीन है वाव लीन और या लीन ये दो होते हैं ठीक है इस तरह हरूफ मदा तीन होते हैं अलिफ मदा या मदा और वाओ मदा यानी अलिफ के साथ ज़बर या के साथ जेर और वाव के साथ पेश यहाँ पे वाव के साथ ज़बर लगा दी या के साथ ज़बर लगा दी दोनों में ज़बर ही लगाई है ज़ाहिर वाओ के साथ अगर पेश लगा देते तो वो यही बन जाता वाओ के साथ जेर लगनी कोई नहीं थी और ता के साथ या के साथ अगर जेर लगा देते तो यही बननी थी तो ये जो है ज़बर लगा दी तो ये तई ताऊ ज़बर तऊ ता या जबर तई बस यही फिर आगे आपकी प्रैक्टिस है आपका जो ब्लॉक जो आपने पहले देखा उसके बिल्कुल नीचे यही वाला ब्लॉक है बाउ बई तऊ तई सऊ सई जऊ जई हऊ दऊ दई एंड ऑन अब ये खुद आपने प्रैक्टिस करना है उन्हीं अल्फाज के साथ और खड़ीर का आदमी आपके पास राइट साइड पे नजर आ रही है वो रूफे मद्दा और वो सेम है जी पूरा पेज खत्म हो गया जनाब पहले वाला खत्म हो गया जनाब तो ये अब को रूफ लीन पता चल के पांचवा रूल है तनवीन का तनवीन क्या है दो जबर दो जेर और दो पेश और जिस तरह इसकेलेलेंट ये वर्ड होता है ना ता दो जबर तन हम पढ़ते हैं ता दो जबर तन और ता नून जबर तन एक ही चीज है ठीक हो गया ता नून जबर तन मैं लिख ऊपर दो जबरे डाल दू नून साकिन की आवाज आ जाएगी इसे तनवीन कहते हैं अच्छा तुन। तुन। अब यह जो तन के साथ आप देख रहे हैं अलिफ भी आ रहा है लिखा हुआ इसलिए होता है वक्फ किया जाएगा ना तो एक जबर उड़ के तो अलिफ बन जाएगा जैसे आता है अफ्वा जन। अफ्वा जन में क्या लिखा होता है जा, जीम, दो जबर। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं अफवाड़ा देते हैं तो लिखने में आता है फिर एक जबर उड़ जाती है जब करना हो। तो अब इसमें आप दूसरे सफे पर पहला सबक यही है ये यह पढ़ते हैं अन युन आपने आप खुद प्रैक्टिस करनी है ये आपको पांचवा रूल भी पता चल गया ठीक होगा जी अब छठा और सातवां ऑलरेडी आप सीख चुके हैं सिर्फ सातवां उसमें सीखने वाला है जज्म और तशदीद जज्म कहते हैं हम इस निशान को ये जो दाल की शक्ल का निशान होता है इसकी खासियत यह है कि यह पिछले लफ्स को अपने साथ मिला लेता है जैसे जबर की खासियत है ना उसमें हरकत पैदा कर दी अलिफ नून जेर इन अलिफ को नून के साथ मिलाया तो नून के ऊपर आ गई जज्म आपको उर्दू वालों को पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है जज्म आपको पता है जज्म किसे कहते हैं एक दूसरी चीज है वो है तशदीद जिसे हम शद कहते हैं उर्दू में भी पंजाबी में भी उसकी खासियत है कि वह पिछले से भी मिलता है और खुद भी पढ़ा जाता है ये तो सिर्फ खुद पिछले से मिलता है ना इन मैंने इसलिए उससे मिलता जुलता लफ्ज डाला है इंजीनियरिंग की थी मैं नूंद जज तस्दीक डाल दी तो क्या बन गया इन्ना।, इन्ना ये इन्ना नहीं बन सकता था मैं इसमें जबर डाल भी धू ना तो इन्ना नहीं बन सकता इसलिए उसमें तशदीद नहीं है शब्द की यह खसूसियत है कि वह पिछले लफ्ज से मिलती है अल्लाह में भी शब्द आती है अल्लाह लाम दो दफा पड़ा गया मोहम्मद मीम दो दफा पड़ा गया मोहम्मद मद और यहां पे ये इल है और ये है इन्ना अब ये एक मैंने इसका अलिफ भी और लगा दी है यह क्या है इन्ना क्योंकि ये सिर्फ हरकत थी ये अलिफ मद्दा भी बन गया कोई चीज अप्लाई हो रही पाई है कोई नई चीज नहीं आई ये आधा अलिफ था ये पूरा हो गया ये इन्ना और ये इन्ना अब देखें इन दोनों में कितना फर्क है एक नुकते से महर मुझे इन्ना कहते हैं बेशक ठीक है और इन ना बेशक हम हम भी उसमें शामिल हो गया ठीक हो गया ओ छड़ा ही इन ना है इन ना ही है ठीक है अलिफ के साथ तो ये आपने दो और चीजें सीख ली एक जज़म और तशदीद ये कोई रूल नहीं है सिर्फ एक दो मजीद चीजें सीखी हैं उनसे हटके हरकत रुफ मद्दा खड़ी हरकत रुफ लीन तनवीन ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी आपके इल्म में मैं कोई नई चीज़ नहीं आपको सिखा रहा सिर्फ उनके लिए मैंने अल्फाज आपको डिवाइस करके बता दी ये अल्फाज हैं अल्फाज याद होना भी जरूरी नहीं आपको जरूरी नहीं तशदीद का पता हो आपको ये पता हो कि जब ये तशदीद आ जाती है तो ये करती क्या है बस वो करती क्या है वो पता हो इट्स एनफ आठवा और नौवा छोटी और बड़ी मद्दात जो हैं तो यह आपको पहले पता है किसको नहीं पता छोटी मद और बड़ी मद का ठीक है ये इनको जरा कवर करें जी छोटी मत जो है बिल्कुल बारीक लिखी जाती है और बड़ी मद मोटी लिखी जाती है वो पे वो बड़ी वाली मोटी मद है जो पांच से छः अलिफ खींची जाती है और छोटी मद जो है वो दो से तीन अलिफ खींची जाती है छोटी मद खूबसूरती है अरबी की ना भी खींचें गुनागार नहीं होंगे बड़ी मद खींचना जरूरी है मैंने कुराने हकीम से वो लफ्ज चूज़ किया है जिसमें बैक वक्त दोनों मदें आ रही थी ताकि आपके दोनों रूल कवर हो जाए बकरा में है, या बनी सुरु नम तो कुमी बनी इसरा इसराइल की औलादूब इस्लाम की औलाद ये बनी के ऊपर जो आई है ना इसके आप जरा हिज्जे करके देखें तो आपको पता चलेगा ये, ये अब आपसे मैं पूछूं के कुरान पाक के इस लफ्ज की अरबिक कंस्ट्रक्शन क्या है तो हर बंदा बता सकता है ये पहला जो है या खड़ी जबर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे ये यही वाला है बा के ऊपर जबर है वो खाली ये जबर ही है या बनी या थोड़ा लंबा होगा बा पे है। आगे नून या नहीं नी क्या है या मद्दा यही वाला या खड़ी जेर भी आ सकती थी ये भी आ सकता है। ये भी एक अलीफ है लेकिन ये इसके साथ छोटी मद भी है कि इसको आप खूबसूरती है कि तीन अलिफ तक ले जाए वैसे एक अलिफ भी काफी है या बनी लेकिन इसको आप पढ़ सकते हैं या बनी ठीक है लेकिन ये जो अगला है ना इस रॉ ईला ईला अच्छा इसमें इस रॉ रॉ अलिफ जबर रॉ क्या है वो यही वाला है रूफ मद्दा रूफ मद्दा ही के ऊपर हमेशा ये आती हैं मद्दे क्योंकि वो छोटी अल तो होती है ना वो उसको मजीद लम्बा करना होता है रूफ मद्दा इनको इसलिए कहा जाता है कि ये मद के बच्चे हैं अलिफ जबर ता होगा और छोटी बात होगी ता हो जाएगा बड़ी बात होगी ता हो जाएगा ये उसी के मजे बच्चे ही हैं ये बात इस रॉ ईल अलिफ जबर रॉ और बड़ी बात आई तो ये इस रॉ ईला ईल इल भी जो है ये क्या है हमजा याजेर ई ये वही है ता याज़ेर ती हमजा याजेर ई या मदा लाम जबर ला क्या है हरकत जो ताज़बरता है तो आपको आप पता इस पूरे अरबी लफ्स की कंस्ट्रक्शन पता है अगर मैं पूछूं आप में से किसी बंदे को भी कि इसमें कौन कौन से रूल इस्तेमाल हुए हैं तो बता सकता है लो जी आखिरी रूल आ गया जे तजवीज खत्म इसके बाद सिर्फ वो तजवीज़ रह गई है वो नून साकिन तनवीन के कुछ कवायद हैं कि आपने वो वो बारी वो लखन जली में नहीं आती हैं वो मैं वक्फे के बाद थोड़ा उसको भी कवर कर दूंगा ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए आम मनने के लिए ये वाला हमारा सबक काफ़ी है जितना करवा दिया वो वाला सबक हम बाद में वक्फे के बाद कवर करेंगे थोड़ा सा ये वो ताकि मजीद जो सीखना चाहता है वो सीख ले अदरवाइज़ आम मनने के लिए दस काफी है। ये दस काफ़ी है यह हरूफ़ मुकत्तात हैं जैसे उर्दू में मुकत़्त बोला जाता है ये लफ्ज़ मुकत्तात यानी अलग किए हुए क़त किए हुए अलफा इनको अलग, अलग अलग पढ़ा जाता है यानी जो रूफ हैं ये जो हमने पहली तखतीम पढ़े थे उसी तरह पढ़ना है सिर्फ ये साथ इसके ऊपर जब मद आई है तो लंबा हो जाएगा इसको पढ़ा जाएगा अलिफ ला मीम ठीक है ना जी मीम भी मद के साथ है लाम भी मद के साथ है और गुन्ना भी हो रहा है ये तशदीद पे एक चीज है गुन्ना जो मैं बताना भूल गया यहां पे बताना चाहिए था मुझे वो गुन्ना है गुन्ना कहते हैं आवाज को नाक में ले जाना और गुन्ना भी एक अलिफ के बराबर होता है ये लफ्ज वैसे है इन्ना लेकिन इसको जब अरबी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन्ना इना उ मालिक नून में नून में आ रहा तशदीद गुन्ना बन रही है और इसी तरीके से मीम पे भी गुन्ना बनती यहां पे मीम वाली गुन्ना आ गई है लाम को मीम से मिलाना है क्योंकि तशदीद है और फिर उस पर घुन्ना थोड़ा सा करके फिर मीम को भी पांच अलिफ तक लेके जाना है अलिफ लाम मीम ये ऐसे पढ़ा जाता है ये अलिफ लाम मीम नहीं है सरकार अलिफ लाम मीम दालिकल किताबुल अभी ठीक है सूर्य यासीन का मैंने डाला है। या के ऊपर क्या है खड़ी जबर या सीन सीन को आप पांच से छह अलिफ लेके जाएंगे इसको एक अलिफ खेजेंगे और ये सूरह अशूरा में आता है काफ अब इसमें भी वो इख़्फ़ा भी एक हो रहा है जो बारीकी का कायदा है मैं बाद में बताऊंगा बरल आपके लिए इतना ही काफी है कि ये तीनों अलग अलग पढ़ने हैं और पांच पांच अलिफ तक खींचने हैं ये आपकी अब पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन ये दस के दस रूल्स में कवर हो गई है ये आप समझ लें जिसको कहना तवीज़ लिख के देता है दोनों पूरी अरबी एक स्लाइड के ऊपर आई है ये वाला ये एक स्लाइड अगर आपके सामने रख दी जाए ये यानी मेरे जेन की यानी मैंने इसको इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि मैं एक जगह सारी की सारी अरबी ये एक स्लाइड सारी स्लाइड्स को कवर करती है बाकी आप इसके आगे जितनी मर्जी गिरदानें बना लें तातीतू के आगे पूरी बनाते जाए वो तो आपको लिख के कागज में दे दिए ना खड़ी रका की भी लेके लिख के दे दिए बाकी ये सारे कुछ और इसमें आपको जज़म और तशदीद का बता दिया गुना का बता दिया छोटी मद बड़ी मद अब आप के सामने मैं कुरान हकीम के अल्फाज लिखूँगा जो आपके इस पेज के ऊपर एक कुछ प्रैक्टिस करवाई हुई है इन्होंने पेज नंबर दो पे जो दूसरा डब्बा है कुरने पाक के अल्फाज हैं यकीन करें आप लोग अब जब कुरान पाक की अरबी पढ़ेंगे तो आप इंजॉय करेंगे कि आपको इसके रूट हर चीज़ का पता है कि ये कौन सा कायदा इस्तेमाल हुआ है अब मैं उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ इसको करें जी उतारें और इसको करें साफ़ अब मैं इनके सामने कुरान पाक के लिखने लगा हूं रूफ़ और उसके बाद एंड पे हम इन शुरतल्फात कवर करेंगे इनशा ठीक हो गया जी हाजिर वा ही हाँ ठीक ती। ती। है तीन ती। थोड़ा सा मोटा करेंगे तो अच्छा जी अब आ जाएगी जनाब इधर फरान साहब आप आपने अटेंटिव होना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो इसमें कंस्ट्रक्शन इनको कुरान पाक के अल्फाज की बताने लगूँ आप मेरा ख्याल है कि आप लोगों के सामने अगर ये वाली स्ला, ए, स्लाइड भी इधर सामने रख दो जी जरा अगर कोई पुल भी जाए ना उन नजर आ जाए स्लाइड ये इधर रख दें हाँ ऐसे ठीक हो के बस ये दस चीजें आपके सामने हैं दस भी क्या हैं यार छः सात ही हैं नाम अब आप आप आपको आज पता चल गया अदरवाइज चीजें तो आपको पहले ही पता है मैं आपको कुर पाक के कुछ अल्फाज लिखूंगा और मैं आपसे पूछूंगा बताएं इसमें कौन कौन सा जो है वो इस्तेमाल हुआ है सबसे पहले मैं नाम लिखता हूं हमारा सबसे फेवरेट नाम अब मैं इस पर डालता हूं इसके सिंबल ठीक है जी यही लिखा जाता है ना अब मैं किसी से अगर पूछूं आप में से उमर भाई तैयार हो जाओ ठीक हो कि इसमें कौन कौन सी अरबी के रूल्स कवर हुए हुए हैं तो ये क्या है जी अलिफ जबर ये क्या है हरकत और अलिफ को ये लाम से मिलाया गया ये क्या चीज है तशदीद तशदीद की क्या खूबी होती है पिछले से भी मिलता है और खुद भी पढ़ा जाता है पिछले से अलिफ के साथ मिल रहा है और खुद खड़ी जबर के साथ हो रहा है तो ये लाम खड़ी हरकत वाला है तो ये कितना होगा एक अलिफ यानी डबल हरकत के बराबर अल्लाहु ठीक है ना इसको पुर भी पढ़ा जाता है लाम को और हा पे पेश है यह हरकत है ये उल्टी पेश नहीं है कि हु पड़ा जाए लेकिन हम चूंकि अरबी में वफ करते हैं तो अल्लाह पढ़ते हैं लेकिन वफ करते हुए ये पेश जो है वो जज्ब में बदल जाती है तो हा की आवाज भी आनी अल्लाह अल्ला अल्लाह 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 अच्छा जी अब आ जाए आप हाँ जी तो दसना जी है। ये ये क्या है जी मीम हरकत मीम पे हरकत है हा पे ये आगे मीम पे पीछे से मिल रही है और इसके ऊपर खुद भी हरकत है हरकत हुई और ये दाल के ऊपर तनवीन मोहम्मद ठीक है ना लेकिन वफ़ करेंगे तो मोहम्मद बन जाएगा लफ्ज है लेकिन ये अब आपने इसको मोहम्मद नहीं पढ़ना आप क्या पढ़ना है मोहम्मद मीम पे गुना भी करना है क्योंकि ये मीम आ गई है मीम और नून दो ऐसे हैं जो घुन्ना भी होते हैं यानी आवाज नाक में लेके जाई जाती है मोहम्मद मीम और घुन्ना की मकदार कितनी होती है एक अलिफ तो अब ये अलिफ क्या चीज है ये आपको पता है डबल हरकत के बराबर ठीक है तो ये लफ्ज मोहम्मद नहीं है मोहम्मद ठीक है ना उर्दू में चल जाता है लेकिन अरबी में तो फिर नहीं चलेगा अच्छा जी अब आप मैं आपको और अल्फाज लिखे करो जी उतना लिख रहा हूं जरा गीला है वो इसको गीला करके ले अगर नहीं है गीला तो ठीक हो गया जी अब मैं ये आपके सामने वो जो कागज है ना उसमें से कोई लफ्ज एक लिखने लगा और मैं फिर आपसे कंस्ट्रक्शन पूछूंगा और सर एंजॉय करोगे ओनर भी नू अब ये कौन है जो आप में से ना बता सके कि ये क्या है दा दाल अलीफ जबर दा यानी इसको एक अलिफ दो हरकत के बराबर कहना है ये दा नहीं है ये दा है और वाओ उल्टा पेश वू दाव दा भी एक अलिफ खेचा हो जाएगा वाओ भी एक लिफ खेचा जाएगा दा वू दा दा वू दा।, दा, वू दा।, दा, वू दा और वफ करेंगे तो दाऊद बनेगा ये दाऊद लफ्ज नहीं है वूद है वाओ पेश वू क्योंकि वाओ को फिर आगे वाओ तो नहीं ऐसे बनाया जा सकता ना में तो आके वाव फंस जाती है ना वाह वाह पेश वह वाह वाह पेश वु, वु। लफ्ज तो है लेकिन लिखा नहीं जाता वो लेकिन उल्टा पेश में ये काबू आ जाती है, क्यों, है। क्यों आया ये सीधा तो क्या हाँ अगर सीधा लिखेंगे तो फिर ये लंबा नहीं होगा ये हो जाएगा दाऊद ठीक है डेविड ठीक है ना तो ये लफ्ज में ही उल्टा है ये उल्टा पेश है लंबाई में है ना ठीक है ना अब मैं आपको अगली चीज भी बताता हूं ना आपको अगर मैं आपसे ये पूछूं ये हमारे जद अमजद का नाम है इबरा माकाना इब्राहिमी वला नसरानी काना वाला किनकाननीफम मुस्लिमों वा माकाना मिल मुशरिक ठीक है अब आप कहेंगे अलिफ क्यों आया तो ये इब्राहिम तो नहीं बनना था इब्राहिम बनना था फिर ये अब्राहम जिस तरह वो कहते हैं अबراهيم है र अलिफ ज़बर र रौ। इब्राहिम र रौ को भी पुर पढ़ना है और हा या ज़र ही ये क्या है या मद्दा और इसको आप यूं भी लिख सकते थे अगर या को उड़ाना चाहें तो इब्राहिम को आप यूं भी लिख सकते हैं ये वो ऑन करते हैं तो इंशाल्लाह बाकी चलाता हूं आज ये लफ्ज़ इब्राहिम इसको मैंने बताया कि आप हा, खड़ी जेर ही के साथ लिख देना तो फिर आपको या की भी जरूरत नहीं खत्म करते है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हा खड़ी जेर ही हो या हा या जेर ही ये एक ही चीज है कोई फर्क नहीं इसलिए आप देखेंगे बाज इब्राहिम यूं भी लिखा होता है अरबी में तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ आ गई इसी तरीके से जी अब मैं कोई ऐसा लफ्ज लिखता हूं जिसमें इससे भी हट के कोई अल्फाज आए हाँ जी पहले तो एक सिंपल लफ्ज लिखता हूं ना पाकिस्तानी कौम हाँ जी ये क्या लफ्ज है जी कौ मन ठीक है कौ ये क्या है कॉफ वाओ जबर कौ ये क्या है ये लीन और कौन सा वाओलीन दो लीन होते हैं ना वाउलीन और यालीन और मीम दो जबर मन ये क्या है तनवीन ठीक है ना अगर ये यू लिखा जाए तब भी कॉमन ही बनेगा लिखने के एतबार से कर रहा हूं ये ऐसे टेक्निकली यह गलत है मैं आवाज के एतबार से बात कर रहा हूं इसमें तो ज्यादा कॉमन को कॉमन ही होगा यहां पर जब वक्फ करेंगे तो एक जबर उड़ जाएगी कौ आ जाएगा लफ्ज़ लिखने में ठीक नहीं है आवाजों में दोनों बराबर है ठीक हो गया जी अच्छा जी अब हाँ मऊ मऊवा मऊ ए ठीक है ना मीम वाओ जबर मऊ लीन और आई हरकत वाह जबरजा हरकत ता दोपेशन तनवींद आप कोई कुरान पाक का लफ्ज़ लिखें वो इससे खाली नहीं होगा जो हमने रूस सीख लिए। हैं अच्छा जी इसके बाद एक और लफ्ज़ मैं लिखता हूँ ये लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लेकिन ये लफ्ज़ अरबी का ही है और तर्जमा भी वही वाला ही है आजीबुन अच्छा आईन जबर आरकतर जी नहीं है ये होगा आजीबुन और बाद दो पेश बुन जीम जी। खाली ये जीम जेर जी होता तो ये आजीबुन होता ठीक है ये आजीबुन है ठीक हो गया जी तो इस तरह के कई एक अल्फाज हैं और ये तो वो थी आ, यानी अरबी जो आम आदमी सीख ले तो उसके लिए काफ़ी है लखन जली के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मैं इसी में कवर कर देता हूँ ताकि आठ दस मिनट में कवर हो जाए इसको हम कंक्लूड ही कर दें गुफ्तु को वो चंद एक अलफाज हैं जो कि अरबी की खूबसूरती है आप उसको कह लें जैसे रूफ़ कल कला है कतुब जद्दीन उसकी एब्रिवेशन है उनकी खसूसियत यह है कि उनकी आवाज़ लौट कर आती है जैसे कुल आहद है ना लफ्ज़ ये लफ्ज़ है आहदन तो वक्त बन करते हैं तो क्या बनता है आहद लेकिन अरबी में ये लफ्ज़ आहद नहीं है आद दाल पे जाके और फिर वापस लौटेगी इस तरह काफ़ आ जाएगा तो वो भी कलकला होगा यानी आवाज लौट कराएगी बा भी लौट के आएगी इसकी एब्रेशन है ठीक, है ठीक जद्दीन इस तरह ये अब वैसे तो ये लिखने में अब है लेकिन अरबी में होगा अब ठीक है यानी आवाज लौट के आएगी लेकिन इसको को अब भी पढ़ ले तो जायज है अरबी की खूबसूरती है इसके बाद नून साकिन तनवीन के चार कवायद हैं जो इसके ऊपर आपके पास लिखे हुए हैं जो आपको ऑलरेडी नॉन तो है लेकिन उनकी आपको वो बारीकियां नहीं पता वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ नून साकिन और तनवीन क्या जी बंद कर दो यार कोई नहीं कुछ होता दो मिनट सबर कर ले नून साकिन और तनवीन यानी नून साकिन या तनवीन दो जबर दो जेर पेश के बाद पंद्रह हरूफ ऐसे हैं कि अगर अरबी में वो आ जाए तो वो आवाज गुना होकर पड़ी जाती है वो आपको पंद्रह रूप याद रखने की जरूरत नहीं आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे वो आपका ये जो तीसरे वाला डब्बा है ना पेज नंबर टू पे अनजल ना हो वाला इसी को आप देख लें अब मैं ये लफ्ज लिख रहा हूं <laughs> ठीक हो गया जी अनना दूसरी उसके साथ है जल ना अलिफ नून ये तो जजम वाली वो बात होगी ये भी जजम वाली होगी जल नून खड़ा जबर ना हापिश हू इसको आप क्या पढ़ते हैं अनजल नाहू लेकिन अरबी में इसको अनजल नाहू नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि पढ़ा जाएगा आज लाहू आ ये जो गुना किया जा रहा है अखा करके पढ़ा जा रहा है खफी करके आवाज को पढ़ा जा रहा है इस वजह से कि नून साकिन के बाद जा उन पंद्रह रूफ़ में से ऐसा हरफ है कि अगर ये आ जाए तो ये अल्फाज फिर आन बनेगा इस रूल को कहते हैं अख्फा वो पंद्रह रूफ कौन से हैं वो आपके पेज पे लिखे हुए हैं ये अगर कोई आन ना भी पढ़े ना गौनागार नहीं होगा ये लखन खफ़ी में आता है लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहेंगे अरबी इस सारे वो आपने भी आंधी है कि नहीं सब कुछ आंधी है अल्लाह अल्लाज इसे कहते हैं कि खफी करके पढ़ रहे आ नून पूरा वाजे नहीं कर रहे अन नहीं पढ़े आ पढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब पुराने हकीम में कई अल्फाज पढ़ रहे होते हैं ऐसे तो उसमें ये आ करके आपको पढ़ता है लाला आता अन्ता सुबहाना का नहीं है आता सुबहान ठीक है तो आ करके पढ़ा जाता है इक्फा दूसरा रूल है इजहार वो छूफे हल्की हैं ऐसे कि अगर नून साकिन के बाद वो आ जाए तो फिर इजहार होगा नून का वाज़ है। आ करके नहीं होगा उसकी एक मिसाल सूरह फातिहा में है अब ये आं आमता नहीं होगा ये होगा अन आमता नून है। तो वो छह रूफ जो हलक से निकलने वाले आइन है ख है और गैन है और शाह है वो जब नून साकिन के बाद आएंगे तो ये आ गने वाला काम नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट इजहार होगा दूसरा रूल पता चल गया तीसरा रूल है इकलाब का इकलाब अरबी में कहते हैं बदल देने को ठीक हो गया या मुकलब अल ए दिलों के बदलने वाले मेरे दिल को जो है अपने दीन की तरफ बदल दे जो सही मुस्लिम में दुआ भी आती है वो आपको ऑलरेडी पता है नून साकिन के बाद जब कभी भी बा आ जाए तो वो मीम से बदल जाता है ये लफ्ज़ उर्दू का लिख रहा हूं ताकि आपको जरा समझ आए ये लफ्ज क्या है गुंबद, इसको गुनबद को नहीं पढ़ता गुमबद पढ़ते हैं क्योंकि नून साकिन के बाद बा आ गया ठीक हो गया अरबी में जहां भी आप ये कहते हैं छोटी जी मीम लगी होती है उन तो आप पता लग जाएगा छोटी मीम उ लगी होगी जहां पर बाह आर होगा नून के बाद तनवीन के बाद यार अच्छा अहमद बिन हम्बल, स्पेलिंग क्या है उनके हन बल है लेकिन पढ़ा मीम जाता है क्यों बा आ गया नून साकिन के बाद तो नून मुकम्मल खत्म हो जाती है अच्छा अंबिया लफ्ज है बिया लेकिन आप इसे अंबिया पढ़ते हैं क्योंकि बाग या सही ये छोटी मीम इसलिए डाली जाती है ताकि अजमियों को पता चल जाए कि भाई नून नहीं मीम पढ़ो वरना जिनको अरबी आती है उनको पता है कि ये जो है वो मीम से बदलना है अच्छा एक और चीज जो सब तो बड़ी इस टाइम उम्मत के लिए आजमाइश बनी हुई है मेहराबो मेंबर मेंबर के स्पेलिंग क्या है मिन बार, मिन बार। लेकिन पढ़ा क्या जाता है क्यों क्योंकि नून के बाद नून साकिन के बाद बार है यह नहीं होता लिखा जाता मेंबर बल्कि किसी उर्दू चेक करी होगा मेंबर लिख के दस कई लोग इस तरह मेंबर लिखते हैं यूनियन कौंसिल के मेंबर भी यही लिखा होता है ना हालांकि गलत है ये मिमबर ये लफ्ज गलत है ये लफ्ज मिन बर है और इसमें सिर्फ एक ही हरफ है बा नून साकिन तनवीन के बाद आ जाए तो नून को वो मीम बना देगा और वो आप ये याद रखने की जरूरत नहीं ये छोटी मीम पढ़ी होगी आपको खुद बता रही होगी कि जनाब मनु मीम पढ़ना है और चौथा कायदा नून साकिन और तनवीन का वो है आपके इसी पेज के ऊपर इदगाम अरबी में इदगाम कहते हैं मिला देने को हम ये लफ्ज भी यानी मदगम इस्तेमाल लफ्ज कर रहे होते हैं क्यों नहीं मधगम प्र, सही प्रोनासीेशन मुदगम है तो वो छः रूफ़ ऐसे हैं कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाए तो उसमें इदगाम हो जाता है और वो भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं वो ऑलरेडी उन्होंने तस्दीर डाल के उसको मिलाया होता है उसकी एबन है यरमलून या रौ मीम लाम वून मसल मई यमरू इसको हम मन यान जूरू नहीं पढ़ते लफ्ज तो मन है ये शब्द आपके लिए डाली जाती है सर अरबी के आगे ये ना भी डली हो ना वो उसको मई पढ़ेगा क्योंकि वो नून को या के साथ मिलाने उसकी मजबूरी उसकी जुबान उसके अलावा चलेगी नहीं आप पढ़ के भी देखें मन यान जूरू नहीं वो उसमें फ्लुएंसी नहीं आएगी मई यम वुरू ठीक है हाँ अब आपको ये इदगाम का कायदा समझ इसको कहते हैं इदगाम नून साकिन तनवीन के बाद अब हाँ, आप, आप जरा द्रूसी में बताए ना क्या पढ़ते हैं आप ये दीऊ को पढ़ रहे होते हैं आप ये होना चाहिए वा अला वाल मोहम्मद ये दी इसलिए कि नून साकिन या तनवीन वो नून साकिन तनवीन एक ही चीज है ना दाल दो जेर दिन हो या दाल जेर नून दिन तो नून साकिन तो यहां आ रहा है ना नून के बाद क्या आ गया वाओ वाओ हरूफे यरमलून में से है तो ये मोहम्मद यू हमें कोई ये इस तरह भी लिख के दे ना तो हम इसे मोहम्मद दिन वाला अली मोहम्मद दिन नहीं हम पढ़ेंगे मोहम्मद यू वाला अली मोहम्मद हमारी जुबान पे चलेगी नहीं क्योंकि हमें पता है कि ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मिलना है अच्छा इसी यरमलून में दो अल्फाज ऐसे हैं रा और लाम जो मुकम्मल तौर पर पिछले अरफाज को खत्म कर देते हैं इस हवाले से कि मुकम्मल तौर पर वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं जैसे आता है मोहम्मदुर रसूल्लाह ये मुहमदुर रसूल्लाह जो हम लिखते हैं ना मुहम्मद उन है और आगे रॉ है दाल दो पेश दून नून के बाद रॉ आ गया उसके ऐसे दूर बन जाता है नून खत्म ही हो जाएगा रॉ और लाम ऐसे हैं जो नून को खत्म ही कर देते हैं दो रूफ जरमलून में से नए बंदे जब मोहम्मद रसूल लिखते हैं ना वो यूं लिखते हैं मोहम्मद अर रसूल उनको नहीं पता चलता है। ये नहीं लिखना अर ये ऑटोमेटिक मिलना है अच्छा ये मैंने कहा रॉ और लाम सूर्य इखलास में आता है वलम यकुल्लहू कुफ नहद लेकिन लिखने में क्या होता है कुल्लू आप जरा देखिएगा जाके वलम यकुल्लहू कुफ नहद लेकिन नून खाया जाता है क्योंकि उसके बाद लाम आ गई है तो मुकम्मल तौर पे वो नून बीच में से निकल जाता है और ये मुकम्मल इतगाम दो में होता है लाम में और रा में। वलम या कुल लहून या कुल लहू नहीं होता ठीक है अशहद मोहम्मद दर वो महम्म दुर रसूल्ला मोहम्मद रसूल्ला होता है लेकिन दुर बन जाता है तो ये चार कवायद थे जो मैंने आपको नून साकिन और तनवीन के समझा दिए अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और आपके लिए खुद बखुद इनशा आसानी होती जाएगी अब उसूल बरकत के लिए एंड पे सूरतलफ़ा हम कवर करते हैं और इस शुतगू को इनकलूड करते हैं बाकी आपकी प्रैक्टिस है ताकि मैं चाह रहा हूँ लिमिटेड टाइम में ये वीडियो ख़त्म हो जाए ताकि लोगों को शौक़ भी फिर पैदा हो अब कंस्ट्रक्शन आपने इसको सफ़ों को तो आप फोल्ड करके अपनी जेब में डाल लें वह अब आपने घर जा ख़ुद प्रैक्टिस करनी है जो नून साकिन और तनवीन के कवायद हैं अब आप सामने वो कवायद भी लिखे हुए हैं वैसे आपको ज़ुबानी भी पता है टेस्ट सैम्पल के तौर पर मैं सूरतुल्फात कवर करने लगाऊ उसमें भी बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं पहले आऊदबिल्ला पढ़ लें आऊद बिल्लाजीम मेरे पीछे आपने रिपीट करना है सीन जेर बिस जजम है मीम जेर मी है लाम के साथ मिल रहा है ये तशदीद है इसके ऊपर खड़ा है बिस्मिल्लाह हेर रे मीम का पूरी खड़ज रहा है ये लंबा कह जाएगा निर रहीम और रा के ऊपर जबर और हा या जर ही ये एक अलिफ के बराबर तो अब आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ एक अलिफ है और कौन सी आधा अलिफ, अलिफ यानी एक हरकत है तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे याद रखने भी जरूरी नहीं होगा जब आप बार बार अरबी की प्रैक्टिस करेंगे आपसे निकलेगी खुद जहां पे आधा अलिफ निकलना है आधा ही निकलेगा जहां पूरा निकलना है वहां पे पूरा निकलेगा इल्ला इलाके के मद को याद रख के निकालना पड़ता है لله رب العالمين आप देखेंगे आ क्यों मैंने पढ़ा आन खड़ी जबर था मीन मीम याजर मी या मद्दा ठीक है आप सारे वही आपको जेन में आते जाएंगे वो वाले रूल्स रहमान मालिकी मालिक उदीन ये मीम खड़ी जबर मा है इसको मीमालिफ जबर माँ भी लिखते तब भी मालिकी बनना था ठीक हो गया यह इसलिए इस तरह लिखा जाता है कि एक किरात में यह मालिक यौमिद्दीन भी है तो वो अगर अलिफ वाला डाल देना फिर वो मालिक यौमिदीन वाला नहीं उसमें लिखने में आ रहा होगा इसलिए इस तरह लिखा जाता है अदरवाइज ये दूसरी तरह भी दुरुस्त है मालिक उमदीन अब ये मालिक 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 नहीं है है तो यह मालिकीन माली की यउिद्दीन मीम के ऊपर खड़ी है ये इस इन दोनों से डबल खींचा जाएगा ये खड़ी जबर है ये सिर्फ हरकत है यऊ वही रूफ लीन वीन मद्दीन इया का नाबू का नस्ता अब ये वाला इन जरा थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है ये वाला तो आसान निकलता है मुस्तकीम अब इख दिन में ये स्वाद है और इसमें सीन है कितना फर्क है और ये तो है और ये ते है ये देखे दोनों आपस में मध्य मुकाबला आए है हुए हैं कि एक को आपने मोटा पढ़ना है एक को बारीक पढ़ना है सिरा ये जीना नहीं ये दाल है अब ये जाल है वही नरमी वाला सिरा में लाम या जबर लई वही वाला ता या जबर तई रूफ लीम ठीक हो गया जी المغضوب عليهم ولا الضالين दो लीन में ये अलिफ लाम के साथ भी मिल रहा है तशदीद की वजह से नहीं है लाम के साथ मिल के इदगाम हो के इसका फिर आगे जाके आमीन ठीक हो गया जी ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई है ये पेज इनशाला जो है वो हमारी एच डी रिकॉर्डिंग में हम इसकी और जेपी जी इनशाला फिट कर देंगे वो आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एक बार जी इसको इधर सामने कर दें क्योंकि तो ये पूरे का पूरा यानी तजवीज़ इसके ऊपर खड़ी हुई है इसको ज़रा फरहान भाई कवर कर दें ये वाली जो स्लाइड है हमारी जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी स्लाइड नंबर फोर हमारी ठीक है ना जी ये स्लाइड नंबर फ़ोर है इसको बस एक मोटा सा कवर कर दें बाकी इन शी हम उसमें अपने जे पी जी एच डी रिकॉर्डिंग में डाल देंगे ताकि कोई इस हवाले से मुश्किल ना हो अब आप आपने हकीम के जो भी हरूफ लेंगे मेरे भाइयों वो अपनी कंस्ट्रक्शन के अतबार से उन्हीं रूल्स के अंदर फॉलो जो है फाल कर रहे होंगे जो मैंने आपको मेनली रूल्स बता दिए हैं अब आपकी अपनी प्रैक्टिस है गुर आपको सिखा दिया है जैसे एक टीचर का काम है कि आपको एक चीज़ सिखा दे कि इसको ऐसे ऑपरेट किया जाता है अब आपके पास ये पेज मौजूद है कायदे डाउनलोड करें आप कोई भी कायदा खरीदेंगे आपको लगे मुझे सारी कायदा आंदा है ठीक है सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपने अल्फाज की ठीक है जी अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे हमें सुन्नत की तारीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ीकता फ़रमाए सुबह अशहद्लाई अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि अब हमने जो कुछ सीखा है ना सिर्फ ख़ुद प्रैक्टिस करके बल्कि दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की भी हमें तोफ़ी अदाफरमाई वमा अलना अलबला गुलबीन जजाक व अहसन अल